गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 22 लेके, जो हमारा शेफ का फाइनल लेक्चर है। आज इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग सारी चीजें करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंप्लीट ऑटोमेशन कैसे हो सकता है शेफ के अंदर। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आई होप आपने पिछले सारे लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी, उसके बाद ये लेक्चर आप देखें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी टॉपिक को, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो गिट हो, या चाहे वो आने वाले टॉपिक्स हो, उसको आप स्टार्टिंग से देखें। जैसे अगर मैं शेफ की बात करूं तो उसमें 6 से 7 लेक्चर जो मैंने बनाए हैं, आप उसको सीक्वेंस में 2-3 बार देखें। आप पूरे शेफ टॉपिक को 2-3 बार देखें और जहां भी आपको डाउट आता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक करें और हमारा फेसबुक ग्रुप टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल, वहां पर सारे नोट, सारी बुक्स आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, डम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसका भी आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो हमारा पर्पज यही है कि आपको हर चीज, हम जो है बेस्ट से बेस्ट चीजें सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, सो दैट आपको कहीं जाने की, कहीं अपने पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो अभी तक हमने क्या किया है, मैं आपको उसकी बात बता देता हूं। देखिए, अभी तक मैंने एक शेफ सर्वर बनाया था, वर्क स्टेशन बनाया था AWS के अंदर, आपको याद होगा, और सारा काम हमने यही किया था। हमें अगर हमारी कुकबुक बनानी है, हमारी रेसिपी बनानी है, तो वो रेसिपी हमने इसी में बनाई थी, वो रेसिपी हमने एक कुकबुक के अंदर रखी थी, आपको याद होगा। एक कुकबुक हमने बनाई थी अपाचे के नाम से और उसके अंदर हमने एक रेसिपी बनाई थी अपाचे रेसिपी के नाम से। तो कुल मिला के शेफ वर्क स्टेशन सबसे पहले हमने बनाया, उसके बाद हमने शेफ वर्क स्टेशन के बाद हमने क्या बनाया था, हमने एक शेफ सर्वर क्रिएट किया था। कहां पे, आपको याद होगा, हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, chefserver.io वाली जो हमारी वेबसाइट थी, वहां जाके हमने एक अपना अकाउंट क्रिएट किया था और वहां पे हमें हमारा क्या मिला था, शेफ सर्वर मिला था, याद है आपको। उसके बाद क्या किया था हमने, जो एक्चुअल काम हमारा होता है उसे हम नोट्स कहते हैं, जो मशीनें हमारा काम करती हैं, हमारे वेब सर्वर हैं, डेटाबेस सर्वर है, जो भी है, उसको हम यहां पर किस नाम से बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं नोड। तो हमने 2 नोड बनाई थी, एक नोड 1 बनाई थी, एक नोड 2 बनाई थी, हमने 2 नोड क्रिएट की थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले शेफ वर्क स्टेशन बनाया, वहां पे एक रेसिपी बनाई, उसको कुकबुक के अंदर डाला, एक कुकबुक बनाई पहले, कुकबुक के अंदर रेसिपी क्रिएट करी, फिर हमने क्या करा, इस वर्क स्टेशन को इस सर्वर के साथ कनेक्ट किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। जब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया था, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू यहां पे इन नोड्स को कनेक्ट किया था, याद है आपको, बूट स्ट्रैपिंग की थी। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब ये था कि नोड को सर्वर से कनेक्ट करना, ठीक है, ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग आपको हमेशा करनी पड़ेगी, जब भी कोई नई नोड आप बनाते हो, बूट स्ट्रैपिंग आपको एक बार करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर मेरे पास तो 2000 नोड है, तो मैं 2000 नोड की बूट स्ट्रैपिंग कैसे करूंगा। तो आपको मैं बता दूं, रियल टाइम सिनेरियो में, देखिए हम जो पढ़ाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक्सट्रीम लेवल तक भी आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि भाई 2000 भी हो सकती है, बट रियल टाइम में क्या होगा, 1 सर्वर 2 सर्वर 4 सर्वर 10 वेब सर्वर, इससे ज्यादा वेब सर्वर नहीं होते, समझ आ रही है बात। और वो धीरे धीरे बनते बनते वो 10 से 20 20 से 50 होंगे जब वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी। जैसे आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विप्रो है, TCS है, इनके हो सकता है हजारों नोड इनकी हो, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जगह जगह फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो पर वो एक रातों रात उन्होंने 2000 नोड क्रिएट नहीं करी, वक्त के साथ साथ उन्हें अभी 2 की जरूरत है, फ्यूचर में फिर और 2 नई ऐड कर दी, फिर और 2 नई ऐड कर दी, तो ऐसे करते करते वो 2000 पहुंचती हैं। आपको ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा कि भैया आप आज ही मेरे को 2000 नोड क्रिएट करके दो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं कि ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन में बनी हुई मिलती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको तो जो काम करना है, रेसिपी बनानी है, कुकबुक बनानी है, वो आप वर्क स्टेशन में बनाओगे। शेफ सर्वर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहले से काम चल रहा है तो ऑब्वियसली बना हुआ होगा, कनेक्ट होगा आपका वर्क स्टेशन उसके साथ। इवन जो नोट्स है वो भी आपकी पहले से बनी हुई होंगी, कभी कोई नई नोट क्रिएट करनी पड़ती है तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि नई नोट कैसे क्रिएट होती है, वो सर्वर के साथ बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू कनेक्ट कैसे होती है और उस पर रेसिपी कैसे अपलोड होती है, ये प्रोसेस पता होना जरूरी है। अदरवाइज चीजें पहले से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगी। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल शेफ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है ऑटोमेशन का, आप जानते हैं, और एक अच्छा तरीका है आपके नोट्स को कनेक्ट करने का और इन सारी चीजों का, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब
मैं आपको जरा जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि अभी तक हमने क्या किया, हमने एक वर्क स्टेशन बनाया, शेफ सर्वर बनाया, शेफ सर्वर के बाद हमने नोड क्रिएट करी, नोड को हमने बूटस्ट्रैप करके सर्वर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारी इस कुकबुक को अपलोड किया था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने हमारी कुकबुक है और उसके अंदर हमारी रेसिपी है, उसे हमने अपलोड किया था, आपको याद होगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद क्या वो सीधा यहाँ नोड पे आ गई थी, क्या जो भी हमारी कुकबुक के अंदर है, कुकबुक में जो रेसिपी हमारी है, उस रेसिपी हमने यहाँ पे एक अपाचे रेसिपी बनाई थी, आपको याद होगा। तो ये जो अपाचे रेसिपी हमने यहाँ पे अपलोड करी है, तो क्या डायरेक्टली नोड पे ये सारी चीजें पहुंच गई थी? नहीं, आपको याद होगा हमने फर्स्ट टाइम उनको रन लिस्ट के थ्रू ऐड कराया था, हमने नोड रन लिस्ट किया था और रन लिस्ट में हमने क्या किया था कि भैया ये जो रेसिपी है, अपाचे रेसिपी है, इसे नोड के साथ कनेक्ट कर दो। एक बार हमें रन लिस्ट वाली कमांड चलानी पड़ी थी, हमने रन लिस्ट कमांड चलाई थी, उससे क्या हुआ था कि जो रेसिपी है वो इस नोड के साथ कनेक्ट हो गई थी, रेसिपी कनेक्ट हुई थी, कुकबुक कनेक्ट नहीं हुई थी, ठीक है। कुकबुक में तो बहुत सारी रेसिपी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भैया अपाचे रेसिपी में जो भी अपडेट कल को मैं करूंगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने नोड की रन लिस्ट में उस रेसिपी को ऐड करा दिया था। ये बात आपको याद होगी, नहीं है तो पिछले लेक्चर को दोबारा देखें। तो आपको ये याद है कि हमने उसको ऐड किया, तो अब हमें क्या करना पड़ता था, यानी कि हमें रन लिस्ट में उस रेसिपी को ऐड करना पड़ता था, ठीक है। अब हमें इसी प्रोसेस को अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें भी कहां कंफ्यूजन या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप देखें, ये आपको वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन ये भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास सपोज 10 नोड है, तो 10 नोड पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर नोड के साथ आपको एक बार कमांड तो चलानी ही पड़ेगी रन लिस्ट वाली, ताकि वो रेसिपी उस नोड के साथ कनेक्ट हो जाए और अगली बार से उस रेसिपी में जो कुछ भी अपलोड किया जाए, अपडेट किया जाए, वो नोड पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए या नोड उसको अपने आप से पुल कर ले उस रेसिपी में से, ठीक है ना। तो ये चीज हम जानते हैं, लेकिन हमें रन लिस्ट चलानी पड़ेगी हर नोड के लिए। यानी अगर 10 नोड है तो 10 बार मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी नोड रन लिस्ट वाली, अगर 20 नोड है तो 20 बार, और 2000 नोड है तो 2000 बार। यानी यहां इशू क्रिएट हो रहा है कि ठीक है, मैं कुछ भी वर्क स्टेशन पे काम कर रहा हूं, कोई नई रेसिपी बना रहा हूं, उसको मैंने शेफ सर्वर पे डाल दिया, यहां तक तो मुझे समझ आ रहा है। अब मैं कहता हूं वो अपने आप नोड उठा ले, पर नोड तो उस चीज को तब उठाएगी ना जब उसकी रन लिस्ट में वो ऐड होगी। अब अगर आपने अपाचे में कुछ किया, तो अभी तक क्योंकि हम अपाचे को नोड, दोनों नोड के साथ रन लिस्ट में ऐड कर चुके हैं, रन लिस्ट कमांड हमने चला दी थी, तो इसलिए अब मैं कुछ भी अगर अपाचे में चेंज करता हूं, सपोज मैंने कोई नया कोड इसके अंदर लिखा और उसे मैंने अपलोड कर दिया, तो क्या होगा, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली कोड को चेंज करना है, जो भी कोड मैं चाहता हूं, जो भी काम मैं करवाना चाहता हूं, उस कोड को मैं लिखूंगा और उसे अपलोड कर दूंगा अपाचे रेसिपी के अंदर। अपाचे रेसिपी में जैसे ही वो अपडेट होगा, मैंने क्योंकि 5-star वाली कमांड चला रखी है सभी नोड के ऊपर, आपको पता है, तो हर मिनट ये अपने आप को अपडेट करेगा। 5-star का मतलब आपको पता है क्या होता है, तो अब ये हर मिनट अपडेट करेगा, तो ये अपनी अपाचे रेसिपी में एक मिनट बाद आके देखेगा कि कुछ नया आया है क्या, ये देखेगा अरे हाँ इसमें तो नया आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, उसको उठा लेगा। यानी मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे तो कोड लिखना था और अपलोड करना था। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां आती है कि अगर आपका बॉस आपसे कहता है भाई तुम एक नई कुकबुक बनाओ, आप एक नई कुकबुक बनाओ, और उस कुकबुक में सपोज आपने कुकबुक बनाई, आपके पास एक कुकबुक थी हमारे पास टेस्ट कुकबुक के नाम से, या कुकबुक जो भी है हमने टेस्ट कुकबुक मान लिया, वो कहता है आप एक नई कुकबुक बनाओ और इस कुकबुक में एक रेसिपी बनाओ, रेसिपी 1 फॉर एग्जांपल, और अब आप इस रेसिपी को यहां पे, इस कुकबुक को आप अपलोड कर दो। तो मैंने टेस्ट कुकबुक को यहां अपलोड कर दिया, ठीक है, मैंने टेस्ट कुकबुक को यहां अपलोड कर दिया, तो अब इसके अंदर रेसिपी 1 पड़ी हुई है इस कुकबुक के अंदर, तो क्या ये यहां अपडेट होगी? नहीं होगी, आप जानते हो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो रन लिस्ट में ऐड ही नहीं है, जो रेसिपी नोड के साथ रन लिस्ट में ऐड ही नहीं है या कनेक्ट ही नहीं है, तो नोड उस रेसिपी को नहीं उठाएगा। समझ आ रही है ये बात, नोड उसी को उठाएगा जिसके बारे में उसे पता है कि हाँ मुझे इससे जोड़ा गया है, ठीक है। आप अपने दोस्तों से ही बात करते हो, सड़क पर चलते हुए हर आदमी से बात नहीं करते, लेकिन अगर सड़क पर चलने वाला आदमी आपसे एक बार बात कर लेता और आपकी 5-10 मिनट बात हो जाती है, तो अगली बार वो अगर सड़क पर आपको दिखेगा तो आप उससे जरूर बात करोगे, ये होता है। तो अब इसको एक बार तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये आपको इसमें भी कुछ आए तो आपको कनेक्ट करना है अपने से, या आपको इसका कोड भी उठा के अपडेट करना है, वही काम करवाता है रन लिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगेन अगर मेरे पास यहां पे 2000 नोड है तो मुझे
मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सभी नोड पे हर एक एक बार रन लिस्ट कमांड चला के ये वाली रेसिपी, इसके अंदर जो भी रेसिपी मैंने बनाई है, रेसिपी वन बनाई है, मुझे वो सबके अंदर अपडेट करानी पड़ेगी। मुझे सारी नोड पे एक एक बार वो कमांड चलानी ही पड़ेगी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो चलानी ही पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। जब तक मैं नहीं चलाऊंगा तब तक वो उस रेसिपी का कंटेंट अपडेट नहीं करेगा अपने ऊपर। अब यहां ये जो प्रॉब्लम है, आज हम अपनी लैब में इसको रिमूव करेंगे कि अगर कोई नई कुकबुक मैं बनाता हूं और उसमें कोई नई रेसिपी मैं बनाता हूं जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है नोट के साथ, समझे बात को, तो उसको कैसे मैं ऐसा कुछ ऑटोमेशन करूं कि मैं हर बार, मुझे अगर मेरी 2000 नोड है और मुझे किसी रेसिपी को 2000 नोड से कनेक्ट करना है तो मुझे 2000 बार रन लिस्ट कमांड ना चलानी पड़े, उसको मैं कैसे रिमूव कर सकता हूं, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें अब करना क्या है, मैं अभी आपको ये सारी चीजें जो है, हमें सिर्फ दो चीजें रखनी है, एक हम अपना वर्क स्टेशन रखेंगे और एक हम अपना सर्वर रखेंगे। आज मैं आपको पूरा लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से कराने वाला हूं। ठीक है, हम पुरानी चीजें दोबारा से रिपीट करेंगे और पूरा ऑटोमेशन एक बार करके देखेंगे। आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो ये कमांड कि अपलोड करने वाली कमांड क्या होती है, कुकबुक को सर्वर पे अपलोड कैसे किया जाता है, दूसरा रन लिस्ट वाली कमांड क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, बूटस्ट्रैपिंग की कमांड क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। बूटस्ट्रैपिंग भी आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, वो एक बार कमांड बूटस्ट्रैपिंग की चलानी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, आप बूटस्ट्रैपिंग कमांड चलाइएगा, पर वो भी मैंने आपको बताया ना कि आपको एक साथ 2000 नोड या 500 नोड पे कभी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि 500 नोड कनेक्ट करो, एक कोई नई नोड कनेक्ट करने को आ जाएगी, कभी दो नोड आ जाएंगी, तो वो चीजें होंगी। अदरवाइज आपके सिनेरियो में, आपकी कंपनी में ये सारी चीजें पहले से अवेलेबल होती हैं, आपको तो बस ये कहा जाता है कि भाई आप ये फलाना चीज में अपडेट कर दो, तो आपको वो कोड उठाना है या कोई नई रेसिपी बना के भाई आज सर्वर पे ये वाला एक फाइल है ये सब पे अपडेट करनी है, तो कुछ नहीं है, आपके पास एक पैच आया है। जैसे आपके पास क्या होता है, आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि पैचेस आते हैं, या आप कहें कि व्हाट्सएप का अपडेट आता है तो आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, खाली अपडेट पे क्लिक करते हैं, वो अपने आप अपडेट हो जाता है। पर बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे वो व्हाट्सएप जो है वो आपकी नोड है, आप समझे बात को, आपका मोबाइल नोड की तरह काम कर रहा है, और जब आप अपडेट दबाते हैं तो आप उसे कहते हैं कि भाई जाओ और सर्वर से पुल करके लाओ जो कुछ भी नया अपडेट आया है, तो वो सर्वर पे जाता है, वहां से अपना अपडेट उठा के लाता है और कर देता है, यही काम होता है। अगर फिर हमने उसके बैक एंड पे क्या किया हुआ है, हमने अपने मोबाइल में बैक एंड पे ये सेटिंग लगाई हुई है कि जब भी ये वाईफाई से कनेक्ट हो और कोई अपडेट आया हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाए, हमें प्ले स्टोर में जाके उसे अपडेट ना करना पड़े, तो वो चीज भी हमने की हुई है। तो वहां पे हमने वही 5-star वाला कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है जिसमें वो अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट है, हमारे वाईफाई से कनेक्ट है, तो वो अपने आप जाता रहता है, प्ले स्टोर पे जाता है, चेक करता रहता है मेरे लिए कोई अपडेट तो नहीं आया है, मेरे लिए कोई अपडेट तो नहीं आया है। तो बैक एंड पे भैया यही कहानी चल रही है, क्योंकि WhatsApp के जो आपके मोबाइल हैं जिस पे WhatsApp चल रहा है वो एक नोड की तरह कनेक्ट क्या होगा ट्रीट किया जाएगा। तो अगर WhatsApp के हिंदुस्तान में 5 लाख यूजर हैं या 50 लाख यूजर हैं तो वो 50 लाख यूजर एज अ नोड काम कर रहे हैं, नोड हैं, और वो सारे के सारे सर्वर पे जाते हैं और सर्वर से अपना अपडेट उठा के खुद को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, और वहां पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ नई चीजें लगाई हुई है, जैसे हमने वहां पे पुश नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, क्लाउड के अंदर होता है ये पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन में क्या होता है कि अगर कुछ भी अपडेट यहां पे आएगा तो भैया एक बार इन सबको एक मैसेज दे देना कि एक नया अपडेट आया हुआ है। इस तरह की चीजें भी हम लगा सकते हैं कि अगर कोई भी जो बंदा है, जो हमारा डेवलपर है, वो जब भी कुछ अपडेट यहां पे अपलोड करे सर्वर पे तो इनको पता चल जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं कि इनको पता चल जाए। तो इनको पता चलने के लिए जैसे यहां कुछ अपलोड होगा और अगर वो इनकी रन लिस्ट में एड है वो रेसिपी, तो क्या होगा, इनके पास एकदम से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ नया आया हुआ है। ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज खुद से तो अपडेट लेता ही रहता है, खुद से चेक करता ही रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है। तो अभी हमने क्या करना है, हमें अभी दोनों नोड जो हमने क्रिएट किए हैं, स्टॉप की हुई है अपने लैब में, उन्हें हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमने जो नोड, जब हम बूटस्ट्रैपिंग करते हैं तो हमारा शेफ क्लाइंट क्रिएट होता है।
ये भी मैं आपको बता दूं, एक शेफ क्लाइंट हमारा क्रिएट होता है बैक एंड पे, ठीक है, वो कहां नजर आएगा, वो हमें शेफ सर्वर में नजर आएगा, पर उसे हमें डिलीट, क्योंकि हमारे पास कभी भी शेफ सर्वर का एक्सेस नहीं होता, क्योंकि मैं आपको लैब करा रहा हूं, तो इस समय आप शेफ सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं, पर रियल टाइम में आप कभी भी शेफ सर्वर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका राइट्स एडमिन के पास होते हैं, आपको तो जो भी करना है यहां से करना है, तो मैं शेफ क्लाइंट को यहीं से डिलीट करूंगा कमांड देके, तो यानी वो शेफ क्लाइंट डिलीट हो जाएंगे, कहां पे, सर्वर में, सर्वर पे वो आपको नजर आएंगे, मैं दिखाऊंगा, तो वो आपके डिलीट हो जाएंगे, आपको यहां से डिलीट करने हैं। नोड भी जो आप डिलीट करोगे वो आप वर्क स्टेशन में ही कमांड देकर डिलीट करोगे। जो कुकबुक आपने बनाई है, जो आपने यहां पे अपलोड की हुई है सर्वर के ऊपर, हम इसे सर्वर से भी डिलीट कर देंगे, ठीक है, यानी हम सर्वर को बिल्कुल ब्लैंक कर देंगे, नोड को बिल्कुल डिलीट कर देंगे, बस हमारे पास अब चीजें क्या रह जाएंगी, एक वर्क स्टेशन रह जाएगा, इस वर्क स्टेशन के अंदर हमारे पास कुकबुक रह जाएगी और ये कनेक्ट होगा सर्वर के साथ, बस यहां से अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको लैब में करके दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं और इनमें आज दोबारा से हम सारी चीजें कनेक्ट करके ऑटोमेशन करके देखेंगे कि कैसे ये फाइनली एक ही बार में होता है। तो आज का लेक्चर अगर आपने देख लिया, पिछले सारे लेक्चर देख लिए, तो आज का लेक्चर एक रिविजन टाइप भी आप कह सकते हैं, प्लस उसमें आज हम रोल को पढ़ने वाले हैं कि रोल क्या होता है, रोल का काम क्या है, रोल का काम यही है कि नोड रन लिस्ट की जो कमांड है, जो हम 2000 नोट्स पे हमें चलानी पड़ेगी अगर मेरे को एक साथ करना पड़ जाए किसी रेसिपी को कनेक्ट, तो उसे ना करने के लिए हम रोल क्रिएट करते हैं, तो उसकी बात भी हम आज करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक आप कह लें कि रिवीजन की तरीके के साथ होगा, जिसमें आपके पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स आज काम आएंगे, ठीक है। तो इस लैब को आप टाइम निकाल के प्रॉपरली करिएगा, 2-3 बार करिएगा, और जो कमांड्स हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। ये कुछ कमांड्स हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट्स क्रिएट करें, मैं स्क्रीनशॉट को रिकमेंड नहीं करूंगा, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इसके नोट्स बना लें। तो ये कमांड्स हैं कि हम जब रिसोर्सेज डिलीट करेंगे तो कैसे हम डिलीट करेंगे अपनी कुकबुक को, कैसे हम डिलीट करेंगे नोट्स को, वो कुछ कमांड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं वन बाय वन। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके शेफ सर्वर में, क्योंकि मैंने आपको बताया आप शेफ सर्वर का एक्सेस नहीं कर सकते रियल टाइम में, आपको वो देखने को नहीं मिलेगा ग्राफिकली, तो आपको अगर ये देखना है कि शेफ सर्वर में कौन कौन सी नोड है जो कनेक्टेड है उसके साथ, या कौन कौन सी कुकबुक्स हैं जो शेफ सर्वर पे अपलोडेड है, अवेलेबल है, जो मेरे वर्क स्टेशन से मैंने शेफ सर्वर पे अपलोड की हुई हैं, तो उसकी लिस्ट आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, कुकबुक की लिस्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं वर्क स्टेशन पे बैठ के, आप तो आपकी कमांड क्या चलानी है वर्क स्टेशन में, नाइफ कुकबुक लिस्ट, ठीक है, स्पेस है तीनों के बीच में, नाइफ स्पेस कुकबुक स्पेस लिस्ट, अगर आप कमांड चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुकबुक की लिस्ट आ जाएगी जो हमारे सर्वर पे अवेलेबल है। ऐसे ही टू डिलीट कुकबुक फ्रॉम शेफ सर्वर, अब अगर आपको कुकबुक को डिलीट करना है वहां से, हमें पता चल गया ये अवेलेबल है, अगर हम अब किसी कुकबुक को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, नाइफ कमांड हमेशा इस्तेमाल होगी, किसी भी काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए हम नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप सब्जी काटने के लिए दो हिस्सों में ब्रेक करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यहां पे उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि सब्जियां काटने के लिए चाकू चाहिए, ठीक है, उसके बिना सब्जी जब तक कटेगी नहीं सब्जी बनेगी कैसे, ठीक है, तो ऐसे यहां पे वो नाइफ काम करता है, नाइफ का पर्पज ही यही है कि वो जो है आपकी एक्टिविटी को प्रोसेस करता है या एग्जीक्यूट कराता है। तो आप नाइफ के साथ ही हमेशा लिखेंगे, नाइफ कुकबुक डिलीट, तो जिस भी कुकबुक को डिलीट करना है तो नाइफ कुकबुक का मतलब है कि भैया मैं कुकबुक को क्या करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं, डिलीट की जगह अपलोड लगा दूंगा तो अपलोड करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट कर रहा हूं मैं, और डिलीट के बाद उस कुकबुक का नाम लिखो और हाइफन वाई यस के लिए लगाते हैं ताकि बीच में अगर कुछ वो पूछे तो हम यस कर दें बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए तो नाइफ कुकबुक डिलीट और कुकबुक का नाम आप लिखें वो कुकबुक डिलीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एक साथ कई सारी कुकबुक को डिलीट करें, हालांकि कर सकते हैं हाइफन ऑल लगाकर भी कर सकते हैं आप हाइफन हाइफन ऑल, बट उसमें भी इश्यूज आते हैं, वो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो आप वन बाय वन ही कुकबुक को डिलीट करें। To see list of node which are present in Chef server, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी नोड है जो सर्वर से कनेक्टेड है, बूटस्ट्रैप के थ्रू हमने कनेक्ट कराई थी, वो चीज हमें चेक करना है, तो नोड की लिस्ट चेक करने के लिए कि कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है, कमांड क्या होगी, नाइफ नोड लिस्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप कुकबुक लगा दो या नोड लगा दो,
बाकी चीजें सेम है, लिस्ट आपको देखनी है, किसकी लिस्ट देखनी है, नोट की देखनी है नोट लिख दो, कुकबुक की देखनी है कुकबुक लिख दो। तो कमांड बड़ी सिमिलर है, जब आप इस पर काम करेंगे मुंह जबानी याद हो जाएंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है डेवऑप्स के अंदर जो एक नॉन टेक्निकल बंदा नहीं सीख सकता या एक फ्रेशर नहीं सीख सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको डराया जाता बिना बात के, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। और मैं आपको शेफ बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि भूपिंदर सर ने कोई टॉपिक छोड़ दिए हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, मैं मेरा यकीन माने आप ये सारी बातें मुंह जबानी याद कर लें, इंटरव्यू में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा कोई बंदा आपसे, ठीक है। आपने ये सोचना ही नहीं है कि यार, और कई लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं फ्रेशर हूं तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, मैं मेरा गैप है या मैं तो फ्रेशर हूं तो मैं उन्हें कैसे बोलूंगा मैंने डेवऑप्स पे काम किया है अगर मुझे नॉलेज भी है। तो वो भी मैं आपको जब मेरी डेवऑप्स सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, उस गैप को कैसे फिल करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको झूठ इंडस्ट्री में बोलना पड़ेगा कि आपने काम किया है, बट क्योंकि आपको आता है तो वो यकीन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको उस बात से फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यूअर को अगर आपको दिख रहा है आप में दम है तो ठीक है, वो आपकी कुछ बातों को वो भी छुपा लेगा और इग्नोर कर देगा कि ठीक है इसको रखना तो है ही हमें, तो ये अगर कह रहा है मेरे को काम आता है ठीक है। आपने कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए आपके चेहरे में कि मैंने काम किया है। रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो नोट लिस्ट हो गया। अब अगर आप नोट को डिलीट करना चाहते हैं सर्वर पे से तो क्या कमांड है, नाइफ नोट डिलीट। अब देखें बिल्कुल सेम है, नाइफ कुकबुक डिलीट, ऐसे नाइफ नोट डिलीट। तो आपने जिस चीज को डिलीट करना है उसे नाइफ के साथ लिखो, डिलीट लिखो और उसका नाम लिख दो जिस चीज को डिलीट करना है। तो नोट लिखा, डिलीट लिखा, और नोट को डिलीट करना है क्योंकि आपने यहां नोट लिखा है तो उस नोट का नाम लिखो जिसे आप डिलीट करना चाहते हो और हाइफन वाई लगा दो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कमांड, सब कुछ स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, कैपिटल लेटर कहीं इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, जब तक कि लिखा ना जाए। टू सी लिस्ट ऑफ क्लाइंट विच आर प्रेजेंट इन शेफ सर्वर। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं क्लाइंट, अब ये क्लाइंट क्या चीज है, देखें ये क्लाइंट तो हमने नहीं देखा एक्चुअली में। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नोड होता है वहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट, शेफ क्लाइंट, और एक होता है ओहाई, ये आपको मालूम है। तो ये जो शेफ क्लाइंट है ना, एक्चुअली जब आप अपने सर्वर के साथ नोड की बूट स्ट्रैपिंग कराते हो, सपोज ये आपका शेफ सर्वर है और इस ये नोड है आपकी, ये पूरी नोड है आपकी, तो आप जब बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू कनेक्ट करते हो तो सर्वर एक क्लाइंट क्रिएट करता है, एक शेफ क्लाइंट क्रिएट करता है बैक एंड पे, वो आपको दिखता नहीं है, वो क्रिएट होता है। वो आपको ग्राफिकली मैं दिखा दूंगा शेफ सर्वर पे जाके कि क्लाइंट क्रिएट हुआ है और उसी नाम से क्रिएट होगा जिस नाम से नोड बनी है। सपोज मैंने नोड वन बनाई है तो नोड वन के नाम से ही एक शेफ क्लाइंट क्रिएट हो जाता है। तो हमें वो भी डिलीट करना है अगर हमें, क्योंकि अगर मैं आपको जैसे आज के लेक्चर में मैं आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊंगा तो ये सारी चीजें पहले डिलीट करनी पड़ेंगी जो बन गई हैं, उसके बाद ही हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो उसको डिलीट करने का तरीका क्या है, नाइफ क्लाइंट लिस्ट पहले आप देख लें कौन कौन से क्लाइंट क्रिएटेड हैं, और डिलीट करने के लिए नाइफ क्लाइंट डिलीट, ठीक है। तो नाइफ नोड डिलीट, नाइफ कुकबुक डिलीट या नाइफ क्लाइंट डिलीट, कमांड बिल्कुल सेम है, बस वो चीज बदल देनी है, जिसको डिलीट करना है वो यहां पे आ जाएगा। क्लाइंट को डिलीट करना है तो यहां क्लाइंट लिख दो, नोड को डिलीट करना है तो यहां नोड लिख दो, और कुकबुक को डिलीट करना है यहां कुकबुक डिलीट कर दो। तो इस तरीके से कमांड है, बिल्कुल सिंपल है, नाइफ क्लाइंट डिलीट, क्लाइंट का नाम और हाइफन वाई, बात समझ आ गई। यानी एक कमांड याद करी सारी कमांड अपने आप याद हो गई, समझ आ रहा है। टू सी लिस्ट ऑफ रोल्स विच आर प्रेजेंट इन शेफ सर्वर। अब अगर आपको ये देखना है कि रोल कौन कौन से मेरे क्रिएट है और सर्वर पे प्रेजेंट है तो नाइफ रोल लिस्ट। अभी तक हमने रोल की बात नहीं करी है, आज हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल कमांड आप लिख लें कि रोल, अगर आप चेक करना चाहते हैं कौन कौन से रोल हमने क्रिएट करे हैं। अब देखिए रोल क्या होता है, एक कंपनी है, चलो मैं इसकी बात फिर बाद में ही करता हूँ, ठीक है, अभी मैं स्टेप वाइज चलूँ तो ज्यादा बेटर है, चले अच्छी बात है। टू डिलीट रोल्स फ्रॉम शेफ सर्वर, अब उस रोल को डिलीट करना है तो ये कमांड है। तो ये कमांड्स आप लिख लें, उसके बाद वन बाय वन हम चलेंगे। तो अभी मैं पहले क्या करता हूं, अभी आपको लैब पे लेके चलता हूं AWS पे, और वहां हमने जो क्रिएट किया, जो नोड क्रिएट किया उन्हें डिलीट कर देते हैं, शेफ क्लाइंट जो बन गया है हमारा सर्वर पे उसे डिलीट कर देते हैं और बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं और सिर्फ वर्क स्टेशन और सर्वर रहने देते हैं, और उसके बाद सारा काम अब स्टार्टिंग से करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैब की तरफ। तो आ गए हैं अपने लैब के ऊपर और ये मेरा AWS का अकाउंट है। तो एक काम करते हैं, इसमें से पहले इन दोनों नोट्स को तो हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं, यहां से इसे टर्मिनेट कर दीजिए आप, और ये वाली नोट भी आप टर्मिनेट कर दीजिए क्योंकि आज हम दोबारा से ये सारा काम करेंगे। तो ये भी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। वर्क स्टेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहां जाके हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों टर्मिनेट हो गई हैं। अब मैं इसको खाली सिलेक्ट करता हूं वर्क स्टेशन को, और यहां इंस्टांस स्टेट में जाके स्टार्ट करता हूं।
और स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरा वर्क स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये एक बार स्टार्ट हो जाए फिर हम इसके अंदर चल के अपना काम करते हैं। और यहां मैंने अपना ये जो शेफ सर्वर है manage.chef.io में जाके इसे भी मैंने ओपन कर लिया है, तो आप लोग भी इसे ओपन कर लें। और इसके अंदर अभी मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, मुझे दो नोड नजर आ रही है, नोड वन और नोड टू, ये दोनों हमें डिलीट करनी है। इसके अलावा आप पॉलिसी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कुकबुक नजर आ रही है, हमें ये भी डिलीट करनी है। और मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप करने पे दो क्लाइंट बन जाते हैं, नोड वन और नोड टू, ये भी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी हमें डिलीट करने हैं। और ये सारा काम हमें डिलीट कहाँ से करना है, वर्क स्टेशन से करना है, क्योंकि हमें इसका एक्सेस कभी नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं हमें इस सर्वर का इस तरीके से एक्सेस कभी नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें हमें वर्क स्टेशन से बैठ के डिलीट करनी है। और ये जो टेक्निकल टैग गुफ्तगु वैलिडेटर आ रहा है ये आपको डिलीट नहीं करना है, ये डिफॉल्ट है। तो नोड वन और नोड टू हमें डिलीट करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम वर्क स्टेशन से डिलीट करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ आकर दिखाऊंगा अभी कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद हम दोबारा से सारा काम करेंगे। तो ये मेरी एक बार वर्क स्टेशन स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मेरा वर्क स्टेशन स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसकी पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ और पुट्टी पे चलते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और SSH में जाते हैं, ऑथ पे जाते हैं और जो की हमने पहले से बना रखी है शेफ की के नाम से इसको हम लोग ले लेते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, यस लॉगिन एस। तो एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अपीयरेंस में चलते हैं या कलर पे भी चल के हम कर सकते हैं, आज इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, बोथ करके यूज सिस्टम कलर अप्लाई करते हैं, ये देखें। और यहाँ पे मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ अपीयरेंस में चल के, तो 18 और ओके अप्लाई। और यहाँ पे करते हैं EC2-user, तो लॉगिन एज EC2-user करते हैं, sudo su, तो अब हम रूट यूजर बन चुके हैं। इसके बाद अब आप ls करके देखें क्या क्या मेरे पास है। तो देखें मेरे पास शेफ रेपो है, नोट्स है, ठीक है, ये दो चीजें मुझे अभी नजर आ रही हैं। तो मैं अब एक काम करता हूँ, शेफ रेपो के अंदर चलता हूँ, cd /chef-repo/, मैं शेफ रेपो के अंदर आ गया क्योंकि सारा काम मुझे इसी के अंदर रहकर करना है। अब हम ये देखते हैं कि भैया हमारे सर्वर से कितनी नोड कनेक्ट है, हालांकि मैंने ग्राफिकली वहां से डिलीट कर दी है AWS से अकाउंट से, बट अभी भी वो सर्वर पे कनेक्टेड है। देखें आपको दिखा भी देता हूं मैं, ये देखें आप अगर शेफ मैनेज में जाएंगे तो अभी दो नोड आपको नजर आ रही है, यानी दो नोड कनेक्टेड है सर्वर से, वो डिलीट वहां पे हो गई है, आपने एक्चुअली में डिलीट कर दी है, पर सर्वर तो मान के चल रहा है कि ये दो हैं कनेक्टेड है, अभी बंद है वो, ये मान के चल रहा है। तो आपको यहां से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप चेक करें नाइफ नोड लिस्ट कि सर्वर पे कितनी नोड कनेक्टेड दिखा रहा है। तो अभी ये सर्वर पे दो नोड कनेक्टेड दिखा रहा है, नोड वन और नोड टू, दो नोड ये कनेक्टेड दिखा रहा है, तो हम दोनों को डिलीट करते हैं। तो कमांड क्या होगी, नाइफ नोड डिलीट, उसके बाद नोड का नाम यानी कि नोड वन और हाइफन वाई, ये आप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, आप एंटर करें, डिलीटेड नोड वन आ गया, देखिए डिलीटेड नोड नोड वन, तो आपकी नोड वन डिलीट हो गई है। अब आप नाइफ नोड डिलीट नोड टू हाइफन वाई एंटर करें, ये भी डिलीट हो गई है। अब मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूं, देखिए हम तो यहां पर बैठ के ही काम करेंगे, सारा काम वर्क स्टेशन पे करना है, पर एक्चुअल में वो सारा काम यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा होगा। देखिए मैं यहां पे आपको दोबारा से इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूं, ये देखें गायब हो गई ना, दोनों नोड गायब हो गई, क्यों, क्योंकि हमने डिलीट कर दी। तो आपको वर्क स्टेशन पे बैठे बैठे आप सारा काम कर सकते हैं। अब अगर आप लिस्ट चेक करेंगे, देखें नाइफ नोड लिस्ट आप, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि वो सर्वर से डिलीट हो गई है, ये देखें अब कुछ नहीं आ रहा, यानी कि कोई नोड लिस्ट अब नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब जरा नाइफ कुकबुक देखते हैं कि भैया सर्वर में कौन कौन सी कुकबुक कनेक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो नाइफ कुकबुक लिस्ट हम करते हैं, तो आपको नजर आ रही है अपाचे कुकबुक मेरे सर्वर से कनेक्ट है, तो इसको भी पहले हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि आज सारा काम हमें स्टार्टिंग से करना है। तो नाइफ कुकबुक डिलीट अपाचे
हाइफन कुकबुक, यहां पे कैपिटल में वाई एंटर कर दो आप, तो देखें ये भी डिलीट हो गई, आपकी कुकबुक भी डिलीट हो गई। ठीक है, अब वो अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो वहां पे वो भी डिलीट हो जाएगी। अब आपको मैं दिखा भी देता हूं, यहां पे हम जब जाएंगे तो पॉलिसी में आप जाएं, यहां देखिए आप कोई कुकबुक आपको नजर नहीं आ रही है, जीरो है। लेकिन पता है यहां पे ना क्लाइंट पे अगर आप जाओगे तो अभी आपको दो क्लाइंट नजर आ रहे हैं, नोड वन और नोड टू। हालांकि आप यहां से भी डिलीट कर सकते हो, बट हम कभी मैंने बताया कि इसका एक्सेस तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको वर्क स्टेशन से ही करना आना चाहिए। तो ये जो दो क्लाइंट क्रिएट हो गए हैं, और ये क्रिएट कब होते हैं, जब आप बूटस्ट्रैप करते हो नोड को सर्वर के साथ, तो ये बैक एंड पे एक क्लाइंट भी क्रिएट हो जाता है, उसी नाम से, नोड के नाम से ही क्लाइंट क्रिएट हो जाता है। तो ये दोनों भी अब हमें डिलीट करने हैं, तो ये नाइफ क्लाइंट लिस्ट। तो देखिए आपको नोड वन नोड टू नजर आ रहा है और टैग गुफ्तगू वैलिडेटर नजर आ रहा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम इसे डिलीट नहीं कर रहे। ठीक है, तो नाइफ, अब आपको क्लाइंट डिलीट करना है, तो नाइफ क्लाइंट डिलीट और क्लाइंट का नाम नोड वन और हाइफन वाई। तो पहले हम नोड वन को, इस वाले को डिलीट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब मैं आपको दूसरा भी डिलीट कर देता हूं, तो इसी कमांड में नोड टू आप कर दें, तो ये भी डिलीट हो गया। अब आप जरा चेक कर लें, तो यहां देखें अभी आपको नोड वन नोड टू नजर आ रहा है, मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूं और यहां पॉलिसी में जाएं, क्लाइंट पे क्लिक करें, ये देखें दोनों डिलीट हो चुके हैं, नोड वन और नोड टू। ठीक है, क्लाइंट के अंदर ये दोनों डिलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप वर्क स्टेशन से ही पूरे सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, नोड को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी काम करना होगा वो वर्क स्टेशन पर रहकर ही करना होगा। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब जब सब कुछ डिलीट हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है, अब मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं और आगे का प्रोसेस दिखाता हूं, और फिर हम वापिस आते हैं यहाँ पे। तो अब देखें, अब हमारे पास अभी दो चीजें रह गई हैं, एक शेफ वर्क स्टेशन रह गया और एक सर्वर रह गया, बाकी सब कुछ हमने डिलीट कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर रोल क्या है, इसकी अहमियत क्या है और क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देखें, आप जब शेफ रेपो के अंदर जाते हैं तो आपको वहां पर रोल्स नाम की भी एक डायरेक्टरी नजर आएगी, अगर नहीं आई है मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। तो रोल्स हमारे पास होते हैं, जिसमें डिफॉल्ट रोल हमारे पास क्या होता है, स्टार्टर डॉट आर बी, ये डिफॉल्ट होता है, पहले से होता है। बाकी रोल्स हम क्रिएट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसे समझना जरूरी है। तो जरा आप पहले कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझें। सपोज करें आपके पास यहां पे एक कुकबुक है, ठीक है, उस कुकबुक का नाम है अपाचे कुकबुक, और उस कुकबुक के अंदर एक रेसिपी है जिसका नाम है अपाचे रेसिपी। तो आपने ये रेसिपी यहां पर अपलोड कर दी, अब ये यहां पर आ गई अपाचे कुकबुक। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेजिन करें कि आपके पास एक नोड है, ठीक है, ये नोड कब तक, और ये कनेक्टेड भी है, हम ये मान के चलते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू ये कनेक्टेड भी है। तो अब ये नोड कब तक इस रेसिपी अपाचे कुकबुक के अंदर, एक अपाचे रेसिपी है, उसको कब तक ये नहीं उठाएगी या उस पे आके चेक नहीं करेगी क्या क्या है, जब तक कि ये इस नोड के साथ कनेक्ट नहीं होगी ये रेसिपी। और इस रेसिपी को कनेक्ट करना पड़ता है हमें रन लिस्ट कमांड के थ्रू। एक बार वो कर देंगे तो इस रेसिपी में जो कुछ होगा वो यहां पे अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो कमांड अप्लाई हो जाएगी। सपोज करें अब मैंने कोई नया कोड लिखा इस अपाचे रेसिपी के अंदर, मैंने कोई नया वेब पेज बनाया और मैंने वो इसमें यहां, मतलब मैंने बनाया और बनाने के बाद मैंने यहां अपलोड कर दिया, ठीक है, वेब पेज तो यही बनेगा, कोड तो यही लिखोगे आप वर्क स्टेशन पे, वो मैंने यहां अपलोड कर दिया किसमें, अपाचे रेसिपी में। तो वो वेब पेज अपाचे रेसिपी में अपलोड हो गया। तो अब जैसे ही अपलोड होगा वो ये एक मिनट के बाद ही अपने आप आएगा, चेक करेगा और उठाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका वेब पेज अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज आप ये करें, आपका बॉस ये कहता है कि यार मेरे पास एक और रेसिपी है जिसका नाम है रेसिपी वन, वो कहता है कि यार इस रेसिपी में काम करो, आपको उस रेसिपी में काम नहीं करना है, अपाचे रेसिपी में आपको काम नहीं करना है, आपको तो इस रेसिपी में कोड लिखना है। तो आप कहोगे ठीक है सर मैं लिख देता हूं। अब आपने जो अपना अगला कोड लिखा वो आपने इसके अंदर लिखा, किसी भी चीज का एक्स वाई जेड कोड आपने इसके अंदर लिखा, आपने इस रेसिपी को अपलोड कर दिया यहां पर, ठीक है, क्योंकि अपाचे कुकबुक के अंदर ही आपने ये रेसिपी बनाई है। एक कुकबुक के अंदर आप कई सारी रेसिपी बना सकते हो, आपने ये रेसिपी यहां बना के डाल दी। लेकिन क्या
अब यहां पे खाली अपलोड कर देने से, रेसिपी वन को अपलोड कर देने से क्या ये नोड पे अपडेट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रन लिस्ट में आपने सिर्फ अपाचे रेसिपी को कनेक्ट किया है, यानी आपको ये रेसिपी भी अब कनेक्ट करानी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 500 नोड हैं और 500 की 500 नोड पे ये काम होना है, जो मैंने रेसिपी वन में लिखा है वो 500 की 500 नोड पे अप्लाई करना है। तो इसका मतलब 500 दफा आपको रन लिस्ट कमांड चलानी पड़ेगी। अब एक और सिनेरियो आ सकता है, आपका बॉस कहता है कि अपाचे कुकबुक नहीं, आप एक नई कुकबुक बनाओ, उसको नाम दे दो कुकबुक वन, और वो कहता है आप इसके अंदर रेसिपी बनाओ रेसिपी वन के नाम से। वो आपसे कहता है एक नई कुकबुक बनाओ और उसके अंदर रेसिपी बनाओ और वो आप एग्जीक्यूट कराओ नोड पे। अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि आपने यहां पे रेसिपी वन बनाई, उसके अंदर कोड लिखा, सारा काम किया, आपने उसको यहां अपलोड किया, यहां पे अपलोड भी हो गया, लेकिन अब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इस कुकबुक की जो ये रेसिपी है इसको आपको सब नोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी रन लिस्ट कमांड आपको दोबारा चलानी पड़ेगी और फिर आपको ये रेसिपी वन जो है इन सब के ऊपर रन लिस्ट के थ्रू कनेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके ये रेसिपी वन का काम इन पे अप्लाई होगा। कहने का मतलब अब ये एक टेंशन भरा काम हो जाएगा कि जितनी बार मैं नई कुकबुक बनाऊंगा मुझे डर लगेगा, क्यों? क्योंकि यार मुझे 500 नोड पे ये रन लिस्ट कमांड चलानी पड़ेगी। ये एक टेंशन भरा काम है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ही रेसिपी बनी हुई है और वो पहले से कनेक्टेड है तो उस रेसिपी में आप जो कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, जो कुछ भी कमांड चला रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जस्ट कमांड लिखनी है, अपलोड करनी है और नोड अपने आप उठा लेगा क्योंकि वो रेसिपी ऑलरेडी कनेक्टेड है सबके साथ। लेकिन टेंशन तब आएगी जब आपका बॉस कहेगा आप नई कुकबुक बनाओ, उसके अंदर नई रेसिपी बनाओ और उसको अप्लाई कराओ। क्यों? क्योंकि अब आपको खाली कुकबुक बनाने से और अपलोड करने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर जो रेसिपी है उसको इन सब के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा नोड रन लिस्ट कमांड के थ्रू। अब ये टेंशन है कि 500 बार वो कमांड मुझे चलानी पड़ेगी। यहां हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रोल के थ्रू। कैसे सॉल्व किया है आप देखें जरा। क्या करेंगे आप, यहां पर पहले एक रोल क्रिएट करेंगे, अपने वर्क स्टेशन के अंदर एक रोल क्रिएट करेंगे, ठीक है? उस रोल में अंदर आप जो भी कुकबुक है वो कुकबुक आप उस रोल के अंडर डालेंगे, यानी आप ये कह लें आप एक बक्सा बना रहे हैं, आप उस बक्से में वो सारी चीजें डालेंगे, ठीक है? आप कहते हैं जी मैंने एक रोल बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया अपाचे कुकबुक, और अपाचे कुकबुक की कौन सी? अपाचे रेसिपी। मैंने इसके अंदर लिख दिया, मैंने एक रोल बनाकर उसके अंदर लिख दिया अपाचे कुकबुक अपाचे रेसिपी, और इस रोल को मैंने अपलोड कर दिया सर्वर पे, यानी रोल अब यहां आ गया। लेकिन एक्चुअल में रोल के अंदर क्या है? एक्चुअल में रोल के अंदर अपाचे कुकबुक अपाचे रेसिपी ही है, लेकिन डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली है। पहले मैं डायरेक्टली कुकबुक को अपलोड कर रहा था, अब मैं उसको डायरेक्टली अपलोड नहीं कर रहा, मैं पहले एक रोल बना रहा हूं उसके अंदर इसको डाल रहा हूं, कुकबुक को डाल रहा हूं, मैंने लिखूंगा उसके अंदर, मतलब कमांड के थ्रू उसके अंदर लिखूंगा, वीआई एडिटर में जाके रोल के थ्रू एक रोल क्रिएट करूंगा, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, और वहां उसका नाम लिखने के बाद कुकबुक और रेसिपी का मैं उसे यहां पे उस रोल को यहां पे अपलोड कर दूंगा, और रोल के अंदर क्या है? अपाचे कुकबुक अपाचे रेसिपी, यानी अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी उसके अंदर पड़ी है। अब क्या करना है? अब जो मेरी नोड है उस नोड को मुझे डायरेक्ट कुकबुक से कनेक्ट ना करके रोल से कनेक्ट करना है, ठीक है? बात आपको समझ आ रही? कहने का मतलब आप जरा दोबारा समझे, आपने क्या नया करना है, क्या नया होगा रोल करने पर, क्या नया होगा? आप पहले नोड बनाएंगे, नोड बनाने के बाद आपको बूटस्ट्रैप तो करना ही पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा मैन्युअली, लेकिन वो भी एक ही बार आपको करना है, एक बार हो गया और आपको करा हुआ मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जिसने भी नोड बनाई होगी उस टाइम उसने बूटस्ट्रैप कर दिया होगा, सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया होगा, वो आपको करा हुआ मिलेगा। अब जो ये रोल है आपने ये क्रिएट किया और इस रोल को कनेक्ट कर दिया नोड के साथ, जैसे आप रन लिस्ट करते थे नोड रन लिस्ट, ऐसे ही हम रोल रन लिस्ट करेंगे, ठीक है ना? हम रोल रन लिस्ट करेंगे, रोल रन लिस्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं? नोड को कनेक्ट ना करके रोल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम सॉरी रेसिपी को ना करके हम रोल को कनेक्ट कर रहे हैं, हम रोल को कनेक्ट करेंगे यहां पर इसके साथ,
ठीक है, वो भी वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आप कहोगे सर पहले भी तो हम यही कर रहे थे, पहले हम कुकबुक को रेसिपी को रन लिस्ट के थ्रू कनेक्ट करा रहे थे, अब हम रोल को करा रहे हैं, तो कराना तो हमें अब भी पड़ रहा है। अगर यहाँ पे 500 नोड हैं तो 500 बार हमें ये कमांड चलानी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन हर बार नहीं। आप समझो बात को, यहाँ पे अगर मैं एक नई कुकबुक बनाता हूँ और उस कुकबुक के अंदर रेसिपी लिखता हूँ, मेरा बॉस मेरे से कहता है नई कुकबुक में रेसिपी बनाओ और उसको इस पे इंप्लीमेंट करवाओ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पे अपलोड करना पड़ेगा, इस कुकबुक को अपलोड करने के बाद रन लिस्ट के थ्रू इन सारी नोट से कनेक्ट करना पड़ेगा इस रेसिपी को, जो मैंने नई रेसिपी बनाई है करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रोल बना रखा है, अब समझे बात को, अगर आपने रोल बना रखा है, रोल को कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको अगली बार अगर आपका बॉस कहता है कि भैया एक नई कुकबुक बनाओ, एक नई रेसिपी बनाओ और उसका कोड अप्लाई कराओ नोट पे, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यहां पे उस रो उस कुकबुक को ऐड करना है, इसके कोड में जाके रोल के कोड में जाइए वीआई एडिटर के थ्रू, यहां पे आप अपना वो नया कुकबुक लिखिए कुकबुक वन और उसके अंदर की रेसिपी वन, आप यहां पे उसको लिख दीजिए। आप इस रोल के अंदर आप बजाय इसके कि डायरेक्ट कुकबुक को अपलोड करो, आप कुकबुक बनाइए, रेसिपी बनाइए। आपने कुकबुक बनाई, कुकबुक वन आपने बनाया और उसके अंदर आपने रेसिपी बनाई, आपने वर्क स्टेशन में ये काम कर लिया। अब करने के बाद इसका नाम आपने इस रोल के अंदर डाल दिया, समझे बात को, इसका नाम कुकबुक वन और रेसिपी वन रोल के अंदर लिख दिया कोड के अंदर, ठीक है, एडिटर में जाके, और इस रोल को आपने यहां अपडेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या अपडेट हो गया, कुकबुक वन और कुकबुक वन के अंदर रेसिपी वन। अब क्योंकि नोड तो रोल के साथ कनेक्ट है और नोड को इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सी कुकबुक पड़ी है क्या पड़ा, उसे यह पता है कि रोल में जो कुछ है वो मुझे अपडेट करना है। तो अब क्या होगा, यहां पे तो कुकबुक वन और रेसिपी वन अपडेट हो गया, तो यानी कि अब रेसिपी वन जो है अपने आप सारी नोड पे अपडेट हो जाएगा, यानी अब आपको अलग अलग हर नोड के ऊपर रन लिस्ट कमांड नहीं चलानी पड़ रही। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ रही, दोबारा बता देता हूं। ये देखें, यहां पे आपने करना क्या है कि अगर आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई अब मेरे को आप एक काम करो, एक और कुकबुक बनाओ, अब की बार आप कुकबुक बनाओ कुकबुक टू, ठीक है, वो कहता है कुकबुक टू बनाओ, इसके अंदर एक रेसिपी बनाओ एक्स वाई जेड और इसे इंप्लीमेंट कराओ सारी नोट पे, तो आपने क्या करना है, आपने रोल के अंदर पहले से जो पढ़ी है आप उसे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है उसे हटाओ, आप अपनी ये वाली कुकबुक की एंट्री भी इसके अंदर कर दो। यानी पहले आपकी कुकबुक वन पढ़ी थी, उसके साथ साथ आप कहो कि जी कुकबुक टू भी ऐड कर दो, कुकबुक टू आपने उसकी एंट्री कर दी, अब एंट्री कर दी तो और इसको अपलोड करा दिया, तो अब यहां पे कुकबुक टू भी आ गया। अब ये जो कुकबुक टू इसमें आ गया, तो अब नोड क्या करेगा, जब भी वो रोल के पास आएगा वो देखेगा अरे यहां तो दो कुकबुक पड़ी हुई है, कुकबुक वन भी पड़ी है, कुकबुक टू भी पड़ी है और कुकबुक टू के अंदर एक रेसिपी पड़ी है, तो वो उसको भी उठा लेगा। यानी उसने सिर्फ रोल को देखना है, उसको अब इससे मतलब नहीं है उसके अंदर कुकबुक कितनी है, मुझे कौन सी कनेक्ट करी हुई है मेरे से, उसको तो रोल के साथ जोड़ दिया, यानी अब उसकी जिम्मेदारी ये है। ये कुछ ऐसा है, देखिए रोल से ना बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपनी कंपनी में हैं, अभी आपको कहा है कि भाई भूपेंद्र आप एक काम करो, आपका काम ना सिर्फ गिट का संभालना है, आप गिट वाला काम गिटहब का काम करोगे, लेकिन कल को मुझे कहा जाता है कि भाई भूपेंद्र आपका रोल चेंज हो गया है, अब आप जो हो ना आप डेवऑप्स इंजीनियर बन गए हो और आपको खाली गिट पे काम नहीं करना है, अब आपने शेफ भी देखना है, एंसिबल भी देखना है, तो अगली बार से अगर कोई शेफ का काम आता है, एंसिबल का काम आता है, तो मुझे पता है क्योंकि मैं अब एक डेवऑप्स इंजीनियर हूं, कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर हूं, या मैं अपनी टीम लीडर हूं अपनी टीम का, तो मुझे पता है कि ये सारे काम मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, तो मैं एक रोल मैंने जब डिसाइड कर देता हूं तो उस रोल के अंदर की सारी जिम्मेदारियां मेरी होती हैं। तो अब ये जो रोल है ना, ये जब हम इससे कनेक्ट कर देंगे नोड के साथ, तो उस रोल के अंदर एक नई रेसिपी आ जाए, दो रेसिपी आ जाए, वो खुद पे सारी इंप्लीमेंट कर लेगा। यानी अब आपको हर बार रन लिस्ट कर करके उन नोड को कनेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। हमने एक्चुअली क्या किया, हमने इसको कैसे इजी किया है कि जैसे सपोज ये एक कुकबुक मैंने एक और बनाई थी, ठीक है, ये मैंने कुकबुक टू बनाई, मैंने एक और कुकबुक बनाई और इनके अंदर मैंने रेसिपी बनाई हुई है सपोज, है ना, मैंने रेसिपी, तो पहले मैं क्या करता था, मैं इंडिविजुअली इन सबको कनेक्ट करता था, पर मैं अब ऐसा नहीं कर रहा, मैं इन सबको इस रोल के अंदर डाल रहा हूं और मैं कहता हूं कि ये रोल कनेक्ट कर दो बस एक बार, जब ये नोड बनती है, कोई भी नई नोड मैंने बनाई, अगली बार सपोज मैंने 501, मैंने 500 तो पहले थी, 501 मैंने एक नई नोड बनाई, तो मुझे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, मुझे
नोड जब मैं क्रिएट कर लूंगा तो नोड क्रिएट करने के बाद मुझे बूटस्ट्रैप करके नोड को सिर्फ एक बार सर्वर से कनेक्ट करना है और उसके बाद उस नोड के साथ रोल को कनेक्ट करना है, रोल को बस। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई नई कुकबुक बनानी है वो मैंने रोल पे अपडेट कर देनी है। यहां पे मैं रोल पे अपडेट करूंगा, रोल को यहां अपलोड करूंगा, ऑटोमेटिकली वो इस नोड पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो कुछ भी जितनी कुकबुक पड़ी होंगी, जितनी रेसिपी पड़ी होंगी, वो अपने आप इस पे अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका काम जो है वो अब सिंप्लीफाई हो चुका है। रोल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब आपने कोई नई कुकबुक बनानी है और कोई नई रेसिपी बनानी है तो उस केस में उसे हमें बार बार नोड रन लिस्ट कमांड चलाकर उसको नोड के साथ कनेक्ट ना करना पड़े। बार बार हमें नई कुकबुक बनाने पर उन्हें सभी नोड्स के साथ कनेक्ट करने वाली कमांड ना चलानी पड़े। इसके लिए हम एक रोल बना देते हैं और जब भी हम उस रोल में चेंज करेंगे, कोई नई कुकबुक बनाएंगे, तो हमें सिर्फ उस रोल के कमांड में जाकर, उस रोल के एडिटर में जाके उस कुकबुक को ऐड कर देना है। ऑटोमेटिकली वो सारी नोड पे इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप यहां ऐड करेंगे, यहां अपलोड करेंगे और रोल के अंदर जो कुछ होगा वो नोड ने उठा लेना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सीधा लैब पे चलते हैं। अच्छा, लैब से पहले मैं आपको एक बार क्या करता हूं, आपको सारी कमांड्स लिखवा देता हूं जो हम लैब में एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ताकि आप एक बार उसे नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के बाद क्योंकि आपके पास वो सामने रहेंगे तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं नोट्स भी आपके बनवा देता हूं, लैब लिखवा देता हूं, फिर सीधा लैब पे चलते हैं और आज शेफ टॉपिक को फिनिश करते हैं। अब सबसे पहले हमें हमारे वर्क स्टेशन के अंदर शेफ रेपो में जाना है और शेफ रेपो में जाने के बाद जब आप एलएस करेंगे तो आपको आउटपुट में कुछ डायरेक्टरी नजर आएंगे जिसमें डॉट शेफ भी होगी और जिसमें रोल्स नाम से भी आपको पहले से ही शेफ रेपो के अंदर एक डायरेक्टरी नजर आएगी। अब हमें इस रोल्स के अंदर ही एक्चुअली जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाने के लिए सीडी यानी कि चेंज डायरेक्टरी रोल्स और फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो हम इस रोल के अंदर आ जाएंगे। जब आप इस रोल के अंदर आ जाओगे तो आपको यहां भी रोल नजर आएगा देखो, और आप एलएस करना, जैसे ही आप एलएस करोगे यानी इस रोल के अंदर जो जो रोल क्रिएटेड है वो आपको नजर आएंगे। लेकिन अब तक हमने कोई रोल नहीं बनाया है, लेकिन एक डिफॉल्ट रोल होता है जो पहले से पड़ा होता है। ठीक है, स्टार्टर, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो एक डिफॉल्ट हमारे चलाने के लिए जरूरी है, और एक्सटेंशन उसका .rb ही होगा क्योंकि रूबी के अंदर ही लिखा जा रहा है। अब आपने अपना एक रोल क्रिएट करना है तो कैसे, किसी भी फाइल को क्रिएट करने का तरीका क्या था, आप vi के थ्रू क्रिएट करते हो, तो vi स्पेस devops.rb, .rb के साथ ही आप अपना रोल क्रिएट करिएगा। आप जो भी नाम देंगे .rb करके देना। तो मैं एक रोल क्रिएट कर रहा हूं devops के नाम से, मैं कहता हूं एक रोल बना दो DevOps के नाम से। तो मैं जब vi करके इसको क्रिएट करूंगा तो एडिटर ओपन होगा, आपको एडिटर में ये कमांड लिखनी है। कुछ मतलब नहीं है, बड़ी सिंपल सी कमांड है कि नाम क्या है मेरे रोल का, DevOps है। डिस्क्रिप्शन में जो भी आप देना चाहे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज वहां नजर आएगा मैसेज में, यानी कि वो एक इंफॉर्मेशन है कि मैं इस रोल को क्यों बना रहा हूं, इस ये रोल किस चीज के लिए। मैं कहता हूं ये रोल वेब सर्वर के लिए है, वेब सर्वर क्रिएट करेगा ये रोल, इसके अंदर जो अभी चीज पड़ी है या जो काम है वो वेब सर्वर से रिलेटेड है, तो हमने वो एक रोल क्रिएट कर दिया। अब जो रन लिस्ट थी, पहले हम क्या करते थे कि कुकबुक्स को डायरेक्टली नोड से कनेक्ट करते थे रन लिस्ट के थ्रू, लेकिन अब वो काम हमें वहां नहीं करना, हमें रोल के अंदर करना है। हम रोल के अंदर रन लिस्ट लिखेंगे और रन लिस्ट लिख के वो कुकबुक और उसकी रेसिपी यहां पर लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि नोड से कनेक्ट हो जाए। तो वो रन लिस्ट वाली कमांड एक्चुअली में हमें कहां चलानी है, रोल के अंदर चलानी है, तो और रोल को कनेक्ट कर देना नोड के साथ। तो एक्चुअली में होगा क्या, एक्चुअली में क्योंकि नोड क्योंकि अब रोल के साथ कनेक्टेड है तो रोल के अंदर अगर ये रन लिस्ट पड़ी हुई है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगी, नोड पे रन हो जाएगी, क्योंकि नोड जो है वो रोल के साथ ही कनेक्टेड है। बात आपको समझ आ रही है, देखें ये मेरा सर्वर है और ये मेरी नोड है यहां पे। अब मैंने नोड को कुकबुक से कनेक्ट ना कर किसके साथ कनेक्ट कर दिया, रोल के साथ कनेक्ट कर दिया, और रोल के अंदर क्या लिखा हुआ है, रन लिस्ट लिखी हुई है कि एक कुकबुक है अपाचे कुकबुक के नाम से और उसके अंदर एक रेसिपी है अपाचे रेसिपी के नाम से। तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली ये चीज कनेक्ट हो गई नोड के साथ, क्योंकि नोड रोल से कनेक्ट है और रोल इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही रोल के अंदर ये चीज पड़ी है तो क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी अपाचे कुकबुक को सर्वर पे अपलोड कर दूंगा और उसके अंदर जो रेसिपी पड़ी है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। जब कुकबुक अपलोड होगी तो कुकबुक के अंदर रेसिपी पड़ी है वो अपलोड हो जाएगी। तो अब क्योंकि हमें रोल के अंदर पता है कि भैया आपको अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी रन करानी है और वो मेरे सर्वर पे पड़ी हुई है, तो क्या होगा, वो रन हो जाएगी नोड के ऊपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
तो अब आपने आगे फ्यूचर में जितनी भी कुकबुक ऐड करनी है वो आप इस कमांड के अंदर ऐड करते चले जाओ। आपने अभी ये रेसिपी लिख दी, आप कॉमा लगा के एक और रेसिपी लिख दो, सपोज करें आप कुकबुक वन और डबल कॉलन और रेसिपी वन, तो क्या होगा, दोनों कुकबुक रन हो जाएंगे अभी नोट के ऊपर, दोनों कुकबुक की दोनों रेसिपी रन हो जाएंगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। तो मैं ये कमांड लिखूंगा, समझ आ गया, रन अंडरस्कोर लिस्ट स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा में रेसिपी, फिर ब्रैकेट में अपाचे कुकबुक, जो यानी कुकबुक है और उसकी जो रेसिपी है वो आपके आ जाएगी। इसके बाद अब आप बाहर आएंगे, कॉलन डब्ल्यू क्यू करके आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और नाउ कम बैक टू शेफ रेपो। अब जब आप शेफ रेपो पे वापस आ गए तो अब आपने वापस आने के लिए क्या करना, अभी आप कहां पे हो, अभी आप रोल्स में हो, तो आपने शेफ रेपो में आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी भी कमांड चलानी है वो शेफ रेपो में चलानी है। तो बाहर आने का सिंपल सा तरीका है, सीडी स्पेस डबल डॉट लगा दो, आप वापस शेफ रेपो में आ जाओगे। अब शेफ रेपो में आपने क्या करना है, मैं रोल क्रिएट कर चुका हूं, रोल तो मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन अब ये रोल मुझे जो है, सॉरी, यहां मैंने वर्क स्टेशन पे क्रिएट कर दिया, ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहां पे मैंने रोल तो क्रिएट कर दिया लेकिन रोल अभी सर्वर पे नहीं आया, तो सर्वर पे उसे अपलोड करना पड़ेगा। तो नाउ अपलोड द रोल ऑन शेफ सर्वर, आपने रोल वर्क स्टेशन पे बना दिया लेकिन अब उसे अपलोड करना है। तो अपलोड करने की कमांड क्या है, नाइफ रोल फ्रॉम फाइल। अरे मार करी गिर गया, चलिए कोई बात नहीं, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो नाइफ क्या था, हाँ, नाइफ रोल फ्रॉम फाइल, ये कमांड आपको लिखनी है जब भी आप रोल को अपलोड करना चाहते हैं, नाइफ रोल फ्रॉम फाइल, उसके बाद रोल फॉरवर्ड स्लैश जो रोल का नाम है devops.rb, ये आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा कि ये सब याद मैं कैसे रखूंगा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो यकीन मानिए वहां अपने आप मुंह जबानी ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। इंटरव्यू तक के लिए आपको हाँ याद थोड़ा बहुत करके जाना पड़ेगा, रट के जाना पड़ेगा। नाइफ रोल फ्रॉम फाइल और स्पेस देके रोल फॉरवर्ड स्लैश devops.rb, तो आप देखेंगे जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपके पास आ जाएगा अपडेटेड रोल devops, इसका मतलब ये सर्वर पे ये रोल अपडेट हो चुका है, अपलोड हो चुका है। इफ यू वॉन्ट टू सी द रोल कि मेरा रोल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या कमांड है, नाइफ रोल लिस्ट, तो लिस्ट करके आप जैसे भी लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा devops, तो इसका मतलब वो रोल जो है सर्वर पे मुझे नजर आ रहा है, सर्वर पे ये रोल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैं जो लिस्ट चला रहा हूं ना ये वर्क स्टेशन पे नहीं चला रहा, ये एक्चुअली मैं सर्वर पे चला रहा हूं। नाइफ रोल लिस्ट जो चल रही है सर्वर पे चल रही है कि सर्वर पे कौन कौन से रोल अवेलेबल है, तो devops अवेलेबल है। नाउ क्रिएट टू इंस्टांसिस एज नोड वन एंड नोड टू, तो मैं अपने AWS अकाउंट में जाऊंगा, वहां दो इंस्टांसिस लॉन्च करूंगा, अमेजन लिनक्स की मशीनें लॉन्च करूंगा, एक साथ क्रिएट कर लूंगा, लेकिन अवेलेबिलिटी जोन जो है वो सेम होना चाहिए जो वर्क स्टेशन का है। अगर मेरा वर्क स्टेशन 1A में चल रहा है तो मैं इन दोनों मशीनों को भी 1A में ही बनाऊंगा, ठीक है, ये चीज आपको पता है। और जब आप बनाएंगे तब वहां एडवांस डिटेल में कुछ लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं लैब कराऊंगा। प्लस आप जो की लेंगे वो वही लेना जो हमने पहले ली थी, वो हमारे लैपटॉप में पड़ी है, जनरली हम सबके लैपटॉप में पड़ी है, नहीं पड़ी है तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है, विन एससीपी के थ्रू जो की अब आप जनरेट करेंगे उसे आपको पहले विंडो से अपनी शेफ रेपो में लेके आना है, अदरवाइज फिर वो की समझ ही नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो की तो आपकी लोकल मशीन में पड़ी है, AWS को क्या पता कि ये कमांड क्या है, तो आपको वो की लानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पुराने ही की इस्तेमाल कर लेंगे जो हमने पहले नोड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करी थी, उसका फायदा ये है कि वो शेफ रेपो में हमने ट्रांसफर करी हुई थी तो वो पड़ी हुई है वहां पे, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई, अगर नहीं बात समझ आ रही तो लैब में समझ आ जाएगी, कुछ भी अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है लैब में सब कुछ आ जाएगा, आप डरा मत करो बस। नाउ बूट स्ट्रैप द नोड, ठीक है, अब आपने क्या करना है, बूट स्ट्रैप करना है, मैंने आपको बताया था ये करना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है, कमांड क्या है आपको पता है, नाइफ बूट स्ट्रैप, प्राइवेट आईपी आपको उस मशीन की लिखनी पड़ेगी जो आपने इंस्टांस लॉन्च करा है, --ssh --user, ये एक्चुअली स्विच होता है, ये स्विच होता है, दो हाइफन लगाने का मतलब स्विच होता है, ठीक है, EC2 --user। अब स्विच क्या होता है ये आप पूछेंगे तो अभी रहने दें, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, जब आप जाएंगे कभी डिटेल में, कभी आप जब 10-12 साल काम कर लेंगे तब आपको समझ आएगा। --sudo, उसके बाद स्पेस देके -i, और ये वाली की थी जो मैंने लास्ट टाइम नोड
हाइफन की के नाम से मैंने बनाई थी, आपको याद हो तो वही की हम इस्तेमाल करेंगे। उससे फायदा यह है कि हमें बार उसे शेफ रेपो में लाना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपसे गलती से वो डिलीट हो गई है तो आप नई की जब आप बनाओगे ये इंस्टांस तो नई की जनरेट कर लेना और उसको पहले विन एससीपी के थ्रू विंडो से शेफ रेपो पे ले आना, जो लास्ट लेक्चर में जैसे मैं अपनी की को उठा के लाया था, नहीं पता पिछले लेक्चर में देखना, वहां मैंने वो प्रोसेस करके दिखाया। तो वो की जब तक आपके शेफ रेपो में नहीं आ जाएगी तब तक ये कमांड काम नहीं करेगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो आप या तो पुरानी की इस्तेमाल कर लो या अपनी नई की को करना चाहते हो जो आपने अगर बनाई है तो उसे आप पहले अपने शेफ रेपो में डायरेक्टरी में लाके डाल लें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें विंडो से उस पे विन एससीपी के थ्रू, ठीक है। और नोड का नाम क्या देना है, नोड 1 दे दो। सिमिलरली नोड 2 को भी आप बूटस्ट्रैप कर दो, यानी आपके दोनों नोड जो है, मैंने दो बनाई है फिलहाल, दोनों नोड जो है मेरी सर्वर से कनेक्ट हो चुकी हैं। कनेक्ट होने के बाद अब इन नोड को हमें रोल से कनेक्ट करना है, तो अब मैं आपको आगे की कमांड्स दिखाता हूं। तो नोड को रोल से अटैच करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी नोड हमारी अभी सर्वर से कनेक्ट हो चुकी हैं। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू हमारी प्रॉपरली नोड कनेक्ट हो गई है या नहीं हो गई है, उसके लिए आप कमांड चलाइए नाइफ नोड लिस्ट, इससे आपको नोड 1 नोड 2 नजर आ जाएगा आउटपुट में, तो पता चल जाएगा कि वो हमारी सर्वर से प्रॉपरली कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद अब हमें नोड को कनेक्ट करना है रोल से, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये मेरा सर्वर है और ये मेरी नोड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आपने बूटस्ट्रैप तो कर दिया लेकिन जो रोल यहां पे है उस रोल को अभी आपने नोड के साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नाइफ नोड रन लिस्ट सेट नोड 2, सॉरी पहले ये वाला करना है, नोड 1 नोड 2 एक्चुअली आपको दोनों ही कनेक्ट करनी है सर्वर के साथ, ठीक है, सॉरी रोल के साथ। तो कमांड क्या होगी, नाइफ नोड रन लिस्ट। अब रन लिस्ट में इस बार क्या आएगा, इस बार रोल आएगा, इस बार यहां पे रोल आएगा हमारा, ठीक है, रेसिपी नहीं आएगा रोल आएगा। तो नाइफ नोड रन लिस्ट सेट नोड 1 और रोल, यानी कि हमने नोड 1 को सेट कर दिया या कनेक्ट कर दिया इस रोल के साथ। पहले हम यहां पे रेसिपी लिखा करते थे, आपको याद होगा। तो ऐसे ही आपने नोड 1 नोड 2 दोनों को कनेक्ट कर देना, यानी अब जो रोल है वो इन नोड के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब रोल के अंदर जो कुछ होगा वो अपने आप अप्लाई हो जाया करेगा मेरी नोड के ऊपर। तो अब आप अगर चेक करना चाहते हैं कि भैया मेरी नोड जो है वो किस किस रोल से कनेक्टेड है या कौन सा रोल मेरी नोड के साथ कनेक्टेड है, तो कमांड क्या है, नाइफ नोड शो, और उसके बाद उस नोड को जिसकी आप चेक करना चाहते हैं कि किस रोल से वो कनेक्टेड है उस नोड का नाम दे दो आप, तो आपको आउटपुट में नजर आएगा रोल और रोल में डेवऑप्स, यानी कि ये नोड जो है इस रोल का हिस्सा है या कनेक्टेड है, आप ऐसे कह सकते हैं। फिर अब आपने क्या करना है, ये सारा काम तो हो गया, अब सर्वर भी कनेक्ट हो गया नोड के साथ और नोड कनेक्ट हो गए रोल के साथ, सारे काम हो गए, लेकिन अब हमें जो अप्लाई करना है, जो कोड नोड पे चलाना है वो तो अपलोड करना ही पड़ेगा ना। तो हमने अपनी कुकबुक में, सपोज करें अपाचे कुकबुक में हमने जो भी काम किया था, जो भी कोड लिखा था, अब हम उसे अपलोड कर देंगे सर्वर पे। तो अपलोड करने की क्या कमांड है, नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे कुकबुक, यानी अब ये सर्वर पे अपलोड हो गई और ये ऑलरेडी रोल के अंदर थी हमारी, जो हमने रोल बनाया था उसके अंदर ये थी। तो यानी अब ये अपलोड होने पर क्या होगा, क्योंकि ये रोल का हिस्सा है और रोल नोड से कनेक्टेड है, तो वो जो भी इसके अंदर अब हम लिखकर अपलोड करेंगे वो सारा नोड पे अप्लाई हो जाएगा, सारा कोड नोड पे अप्लाई हो जाएगा, तो वो हमें नोड में नजर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी नोड का पब्लिक आईपी लीजिए यहां तक करने के बाद, और आप चेक करिए जो जो कुकबुक रेसिपी के अंदर लिखा होगा, अपाचे कुकबुक की रेसिपी के अंदर जो जो लिखा होगा अपाचे रेसिपी के अंदर, वो आपको यहां इंटरनेट पे नजर आएगा, ठीक है। यानी अगर हमने कोई वेब पेज बनाया उसमें कोई मैसेज लिखा है हेलो एवरीवन या कुछ ऐसे करके, तो वो हमें नजर आएगा। अब उसके बाद अगर अब आपने कुछ करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा, सपोज करें ये काम तो हमने कर लिया, अब हमारा बॉस हमसे कहता है कि यार आपने नई रेसिपी पे काम करना है, आपने अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी पे काम नहीं करना, रेसिपी 1 पे काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले चेक करेंगे रेसिपी 1 में क्या लिखा है और मुझे क्या चेंजेस करने हैं। आपके बॉस ने आपको बोला कि भैया ये आपका वर्क स्टेशन है और इसके अंदर एक रेसिपी पड़ी है रेसिपी 1 के नाम से, आप कोड अब इसमें लिखो, आप अपाचे रेसिपी में कोड नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, तो आप पहले अपाचे रेसिपी खोलोगे, रेसिपी 1 खोलोगे और चेक करोगे इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो उसको खोलने का तरीका क्या, कैट कुकबुक्स फॉरवर्ड स्लैश अपाचे कुकबुक और उसके अंदर कौन सी रेसिपी, रेसिपी 1। तो रेसिपी 1 में अब तक जो कुछ भी काम किया हुआ है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। हमें जो चेंजेस करने हैं, जो बॉस ने बोला है या कोई नया कोड लिखना है, तो वो लिखेंगे, सब कुछ करेंगे और हम सेव कर देंगे,
ठीक है, सेव करने का तरीका, अभी हम कैट से सेव नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो कैट के थ्रू क्या होगा, सिर्फ आपको दिखेगा। अब आपको इसमें चेंज करने है इस कोड में, तो आपको किसके थ्रू खोलना पड़ेगा, वीआई के थ्रू, सॉरी, तो आपको वीआई के थ्रू खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी वो मैंने यहां पे नहीं खोला है, बट आप इसे वीआई के थ्रू खोलेंगे, क्योंकि यहां से तो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि क्या क्या है इसके अंदर। अगर कुछ चेंजेस करना है उसके अंदर, तो आप वीआई के थ्रू इसे ओपन करिए, उसमें चेंजेस करिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद अब आप अपने रोल में जाइए। अब आपका बॉस कहता है कि भैया आपने ये वाली रेसिपी जो है इस पे काम करना था, तो आपने कर लिया, आपने सपोज वीआई एडिटर के थ्रू ओपन किया और सारे चेंजेस कर दिए, सेव कर दिया। अब क्योंकि मुझे रेसिपी वन नोड पे चलानी है, मेरी नोड कनेक्टेड है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और यहाँ मेरा सर्वर है, ठीक है, ये मेरा सर्वर है, शेफ सर्वर। तो अब मुझे पहले रेसिपी वन को रोल में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे एक जो रोल बना हुआ है, पहले इस रेसिपी वन को इस रोल के अंदर डालना पड़ेगा, और इस रोल को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा, और ये रोल ऑलरेडी इनके साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा, अपने आप जो कुछ भी इसके अंदर आएगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले रोल के अंदर जाना है, शेफ रेपो में ही, शेफ रेपो में रोल के अंदर जाना है वीआई एडिटर के थ्रू, ताकि हम चेंज कर सके। और इस बार यहां पे हमें रेसिपी वन करना है, यानी अपाचे रेसिपी हटा के रेसिपी वन, यानी अब हमने रोल में क्या किया, चेंजेस कर दिए कि भैया अब रेसिपी वन में जो कुछ भी होगा नोड को वो उठाना है, ठीक है। तो यानी नोड तो हमेशा रोल में आके चेक करेगा, अब की बार उसे रोल में रेसिपी वन दिखेगा, तो रेसिपी वन को वो अपने जो भी रेसिपी वन के अंदर कोड पड़ा है वो क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट कराएगा, अप्लाई कर देगा अपने ऊपर, और वो सारा कोड हर नोड के ऊपर चल जाएगा, जिस जो भी नोड कनेक्टेड है। तो ये एक तरीका है, आपने अब की बार रेसिपी चेंज कर दी, यानी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, अब की बार हमने क्या किया, रोल में रेसिपी को बदल दिया। कुकबुक सेम है, कुकबुक वही है, उसकी रेसिपी बदल दी, ठीक है। अब बदलने के बाद क्या किया, आपने इस रोल को अपलोड कर दिया। रोल को अपलोड करने का तरीका, सर्वर पे अपलोड करने का तरीका, नाइफ रोल फ्रॉम फाइल रोल्स फॉरवर्ड स्लैश devop.rb। इससे क्या होगा, हमारा जो रोल है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगा अपडेट होकर, ठीक है। अब आप अपना क्या करना है आपको, अब क्योंकि आप चेक करना चाहते हैं रेसिपी वन में जो कुछ लिखा है वो मेरी नोड पे एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप एक बार करके देखें। वैसे जनरली हम कभी पुट्टी का एक्सेस लेते नहीं है पुट्टी के थ्रू रियल टाइम में अपने नोड्स का, बट यहाँ पर हम लेके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, हम नोड से एक्सेस लेंगे और जो जो चेंजेस हमारे यहाँ पर लिखे थे, जो जो कमांड यहाँ पर लिखी थी या कोड यहाँ पर लिखा था, वो चला है कि नहीं चला है, वो हम नोड के अंदर जाकर देखेंगे। देखने के बाद दोबारा हम वर्क स्टेशन पे आते हैं। अब की बार हमारा बॉस हमसे कहता है कि भैया एक काम करो, अपाचे कुकबुक में ना रेसिपी वन और इससे पहले आपने अपाचे रेसिपी बनाई थी, आपको दोनों के कोड रन कराने हैं, क्योंकि अगर आप खाली रेसिपी वन लिखते हो तो अब नोड क्या करेगा, सिर्फ रेसिपी वन का कोड उठाएगा, अब वो अपाचे रेसिपी का उठाना बंद कर देगा फ्यूचर में, क्यों, क्योंकि अब आपने रोल को चेंज कर दिया। पर आप कहते हो नहीं, रेसिपी वन में जो है वो भी अपडेट होता रहे और अपाचे रेसिपी में जो है वो भी अपडेट होता रहे, तो तरीका क्या है, तरीका ये है, आप या तो दोनों रेसिपी लिख दो अलग अलग, आप दोनों रेसिपी लिख सकते हो, या फिर आप खाली कुकबुक का नाम लिख दो। इसका मतलब इस कुकबुक में जितनी भी रेसिपी हैं वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे या अप्लाई हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप कुकबुक के साथ रेसिपी का नाम लिखते हो तो खाली वो रेसिपी अप्लाई होगी नोट के ऊपर, पर अगर आप खाली कुकबुक का नाम लिखते हो तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट कुकबुक है, यानी कि इसके अंदर जितनी रेसिपी होंगी वो सारी अप्लाई होंगी, कहने का मतलब ये है। तो अब हम ये काम भी करके देखेंगे लैब में कि हम खाली कुकबुक का नाम लिखेंगे और फिर जो जो कोड होगा रेसिपी वन में और अपाचे रेसिपी में, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमें वहां पे नजर आएंगे नोट के ऊपर, अप्लाई करने पे नोट के ऊपर नजर आएंगे अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं किसी भी रेसिपी में, चाहे रेसिपी वन में हम करें चाहे अपाचे रेसिपी में हम करें, और चेंजेस करके अपलोड करेंगे हम सर्वर के ऊपर, तो वो चेंजेस हमें हमारी नोट के ऊपर नजर आएंगे। तो आई होप यहां तक आपको काम समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपको आगे के स्टेप्स बताता हूं। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम रोल के अंदर दो कुकबुक को ऐड कर रहे हैं। हम कहते हैं भैया इन दोनों कुकबुक में जो जो भी हो वो आपने अप्लाई करना है नोड के ऊपर, तो फ्यूचर में जो कुछ भी उस कुकबुक के अंदर अपडेट किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली नोड पे अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रोल में जाना है, रोल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद रोल के अंदर अब की बार आपने दोनों कुकबुक लिखनी है, अपाचे कुकबुक और टेस्ट कुकबुक, और आगे रेसिपी लिखने का मतलब है कि इनकी रेसिपी, ठीक है, अपाचे कुकबुक की जितनी रेसिपी है, टेस्ट कुकबुक की जो भी रेसिपी है वो आपने यहां पे ऐड कर दी है। तो अब
जब भी नोड जो है अगर ये आप अप्लाई कर देते हो तो अपाचे कुकबुक में कोई भी रेसिपी पड़ी हो चाहे टेस्ट कुकबुक में कोई भी रेसिपी पड़ी हो वो अपने आप उसमें जो भी चेंजेस करके आप अपलोड करोगे तो वो नोड पे नजर आने लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि पहले इस रोल को अपलोड कर देते हैं। तो हमने सर्वर पे रोल को अपलोड कर दिया इस कमांड से। अब हम टेस्ट कुकबुक को अपलोड करते हैं क्योंकि हमने अपाचे कुकबुक तो ऑलरेडी सर्वर पे अपलोड की हुई है पर टेस्ट कुकबुक हमने अभी अपलोड नहीं की है। तो पहले हम टेस्ट कुकबुक को अपलोड करेंगे सर्वर पे और करने के बाद क्योंकि हम तो सारा को डिलीट कर चुके थे स्टार्टिंग में जब हमने ये लैब स्टार्ट करी थी। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कुकबुक को भी एक बार अपलोड कर देंगे सर्वर पे ताकि सर्वर के पास अपाचे कुकबुक भी हो और टेस्ट कुकबुक भी हो, तभी तो वो नोड वहां से उठा पाएगा। क्योंकि नोड जो है, देखें ये मेरा वर्क स्टेशन है, ठीक है, आपको मैं दोबारा समझा देता हूं, ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है, और यहां मेरी नोड है। तो नोड तो हमेशा सर्वर से कनेक्ट होती है, कुकबुक यहां पड़ी हुई है तो यहां कुकबुक पड़े होने से कोई फायदा नहीं है। कुकबुक जब तक यहां नहीं आएगी नोड उसे उठा नहीं पाएगा, नोड उसे अपने पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले टेस्ट कुकबुक यहां से यहां अपलोड करना पड़ेगा। आपने जब यहां अपलोड कर दिया तो अब क्योंकि वो रोल का हिस्सा है, ये रोल का हिस्सा है टेस्ट कुकबुक आपको यहां नजर आ रहा है, तो अब नोड क्या करेगा, नोड तो अपने रोल को चेक करेगा और रोल के अंदर अब की बात टेस्ट कुकबुक भी है और टेस्ट कुकबुक आप जो भी कंटेंट है वो अपलोड कर चुके हो सर्वर के ऊपर तो क्या होगा, नोड उसको अप्लाई कर लेगा, ठीक है, नोड उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेगा टेस्ट कुकबुक के अंदर जो कुछ भी होगा। तो आप जब जाएंगे, आप जब अपने जो कुछ भी अप्लाई हुआ है वो चेक करना है तो आप अपने उस नोड को जाके चेक करो, उस पुट्टी के थ्रू एक्सेस करो और चेक करो कि जो जो टेस्ट कुकबुक में रेसिपी पड़ी थी क्या वो वहां अप्लाई हुई है, वो चीजें मुझे नजर आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो हम टेस्ट करेंगे, लैब में टेस्ट करेंगे। उसके बाद अब आप अगर कोई आपका बॉस आपको कहता है कि भैया आपने 1000 पैकेज या 500 पैकेज आपने एक साथ या 500 सॉफ्टवेयर एक साथ आपको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, आपको एमएस ऑफिस भी इंस्टॉल करना है हर मशीन के ऊपर, अगर लिनक्स की बात कर रहे हैं तो आप कहें कि आपको गिट भी इंस्टॉल करना है उसके ऊपर, आपको उसके ऊपर शेफ भी इंस्टॉल करना है, शेफ वर्क स्टेशन ही सपोज इंस्टॉल करना है, या आपको उसके ऊपर मारिया डीबी सर्वर इंस्टॉल करना है। तो कमांड क्या होती है, एक साथ उन 100 पैकेज या 500 पैकेज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज को सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर अगर आपको एक साथ इंस्टॉल करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये एम्परसेंड का साइन लगा के W लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और फिर वो एक एक करके सिर्फ स्पेस देना है, कॉमा भी नहीं लगाना, आप वो सारे पैकेज के नाम लिखते चले जाओ। जैसे HTTP इंस्टॉल करना चाहते हो वो लिख दो, MariaDB सर्वर का पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो वो लिख दो, अनजिप करना चाहते हो वो लिख दो, अनजिप करोगे आप, गिट आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो लिख दो, गिट कमांड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो लिनक्स में पहले से होती है, और VIM आपका एडिटर के लिए है। तो अब ये सारे पैकेज आपने इस तरीके से लिख दिए, उसके बाद आप .each का मतलब एक एक करके इन सबको एक एक करके आपको रन कराना है। इसके लिए आप पाइपलाइन पाइप्स में दो, ये कुछ भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक करके पैकेज को उठाइए, पहले इसको रन कराइए, फिर इसको, फिर इस सॉरी फिर इसको, फिर इसको, एक एक करके रन होगा। तो उसके लिए आपको ईच लिखना है, डॉट ईच डू और पाइपलाइन में पी, ये पी जो है एक्चुअली ये वाला है, इससे क्या होगा पैकेज पी डू, यानी ईच लिखा है एक एक करके करना है, तो ये पहले इसको उठाएगा और इसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है, वो P की जगह क्या आ जाएगा httpd do install, फिर जब ये काम हो जाएगा तो MariaDB सर्वर यहां पे आएगा P की जगह, पैकेज MariaDB सर्वर do install ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर पैकेज अनजिप do action install and, तो इस तरीके से एक एक करके इंस्टॉल होता जाएगा और एंड होता जाएगा। दो बार एंड क्यों है, क्योंकि डू दो बार है, जितनी बार डू लिखा होगा उतनी बार आपको एंड लिखना पड़ता है। तो ये तरीका है कमांड लिखने का, ठीक है, इतना याद रखें, आपको भी बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट कहने का मतलब जब एक साथ बहुत सारे सर्वर सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं तो इस कमांड के साथ इस ब्रैकेट में उन सॉफ्टवेयर के नाम लिख दो बस, स्पेस कर करके अपने आप वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कमांड आप चलाएं, अब आप जब चलाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको इस कुकबुक को जो आपकी कुकबुक है टेस्ट कुकबुक है इसे आप अपलोड कर दें, अपलोड कर दें, ठीक है। जैसी कुकबुक अपलोड होगी कुकबुक के अंदर ही रेसिपी पड़ी है तो रेसिपी भी अपलोड हो जाएगी, सिंपल सी बात है, हमें तो कुकबुक अपलोड करनी है। और जब आप इसे नोड अब इसे अपने आप उठा लेगा, अब आपको नोड को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको तो खाली इसे चेंज करना है और अपलोड करना है, चेंज करना है अपलोड करना है, उसके अलावा आप कोई काम आपको नहीं करना है, नोड अपने आप अपडेट करेगा। तो आप अब जब नोड में जाके चेक करेंगे तो आपको गिट वहां पे नजर आएगा, जब आप कमांड चलाएंगे विच गिट
तो आपको बिन के अंदर गिट नजर आएगा। तो इसका मतलब गिट इंस्टॉल हो गया, ये कमांड हमारी रन हो गई है। तो यानी अब फ्यूचर में आपको क्या करना है, आप कुछ भी लिखें अपनी कुकबुक में और अपलोड कर दें, ऑटोमेटिकली वो जो है वहां पे आपके नोट पे अप्लाई हो जाएगा। अब फ्यूचर में आपका बॉस आपसे कहता है नई कुकबुक बनाओ, तो आप नई कुकबुक बना लो और उसके अंदर नई रेसिपी बनाओ, आप नई रेसिपी बना के कोड लिख दो और क्या करो, रोल के अंदर उसको ऐड कर दो। वर्क स्टेशन में अपने रोल में जाके उस कुकबुक को भी लिख दो उसके अंदर, जो आपका तरीका होता है यहाँ पे। अब की बार आप एक कॉमा लगा के और रेसिपी लिख कर और अब उस कुकबुक का नाम लिख दो, सपोज एक्स वाई जेड कुकबुक आपने लिखा, तो ये तीनों कुकबुक जो है आपकी अब इसमें आ गई। अब इसके बाद इस रोल को आप अपलोड कर दो सर्वर पे और उसके बाद इस कुकबुक को भी आप अपलोड कर दो, जो भी इसके अंदर कोड है उसे अपलोड कर दो सर्वर पे। सिंपल है। अब नोड अपने आप जब भी नोड आएगा एक मिनट बाद चेक करने सर्वर के ऊपर, तो वो तीनों कुकबुक को देखेगा क्योंकि तीनों पड़ी है अब रोल के अंदर, ठीक है, और वो उन्हें अप्लाई कर लेगा। तो ये एक्स वाई जेड कुकबुक भी अप्लाई हो जाएगी। तो अब चीजें बहुत ईजी हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट शेफ, ठीक है। अब चलते हैं लैब के ऊपर और फाइनली इसे करके देखते हैं। अभी हम इसको पहले कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखें आप पहले इसको एलएस करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे आपको एक रोल्स नजर आ रहा है, देखें ये रोल्स नजर आ रहा है ना। अब हमें इस रोल्स पे ही काम करना है, तो एक काम करते हैं कि इसी के अंदर चलते हैं, सीडी स्पेस रोल्स फॉरवर्ड स्लैश, तो देखिए मैं रोल्स के अंदर आ गया हूं। अब इस रोल के अंदर क्या क्या है वो देखना है, तो आप दोबारा से एलएस करें, आपको स्टार्टर डॉट आर भी दिखेगा, ये डिफॉल्ट फाइल है, ये एक डिफॉल्ट रोल है जो होता है, पर हमें तो एक नया रोल क्रिएट करना है, तो हम नया रोल किस नाम से क्रिएट कर रहे हैं, डेवऑप्स डॉट आर बी के नाम से एक नया रोल क्रिएट करते हैं। तो ये वी आई एडिटर ओपन हो जाएगा, कीबोर्ड का आई दबाएं ताकि आप इंसर्ट कर सकें कुछ भी, देखिए अब आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ इंसर्ट लिखा आ गया। इसके बाद अब आप यहां पे लिखें नेम इन्वर्टेड कॉमा में डेवऑप्स, तो आप इसका नाम लिख लें इन्वर्टेड कॉमा में डेवऑप्स आपको लिखना है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी दे दें, मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं तो आप भी इसे ऐसे ही लिख लें, कोई इशू नहीं आएगा। वेब सर्वर रोल कुछ भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं और एंटर करें, और यहां आपको लिखना है रन अंडर स्कोर लिस्ट स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में रेसिपी ब्रैकेट स्टार्ट अपाचे हाइफन कुकबुक, दो बार कॉलन लगाएं आप और उसके बाद लिखें अपाचे रेसिपी। ये सब क्या होता है मैं थ्योरी में बता चुका हूं, तो मैं जस्ट अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। इन्वर्टेड कॉमा लगाना ना भूलें, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा में ये बंद होना चाहिए, और स्पेस कहाँ देना है कैसे करना है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, एंटर करें। इसके बाद आप एस्केप बटन दबाएं और कॉलन डब्ल्यू क्यू करके बाहर आ जाएं। तो मैंने रोल क्रिएट कर दिया है, अब मैं अगर एलएस करूं तो मुझे नजर भी आना चाहिए, देखिए नजर आ रहा है devops.rb के नाम से एक रोल क्रिएट हो गया, और उस रोल के अंदर मैंने क्या किया है, फिलहाल अपनी अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी को मैंने ऐड कर दिया है। अब भाई रोल तो मैंने बना दिया, तो अब बाहर आ जाते हैं, पहले सीडी और डबल डॉट लगा के और शेफ रेपो में वापस आ गए हैं। अब भाई हमें इस रोल को अपलोड करना पड़ेगा सर्वर पे, तो शेफ रेपो में रह के ही हमें इसे अपलोड करना है। रोल को अपलोड करने का क्या तरीका होता है, नाइफ रोल फ्रॉम फाइल रोल्स फॉरवर्ड स्लैश डेवऑप्स डॉट आर बी एंटर, तो ये देखें अपडेटेड रोल मेरे को क्या नजर आ रहा है, डेवऑप्स नजर आ रहा है, यानी अब ये रोल मेरा क्रिएट हो चुका है और सर्वर पे अपडेट भी हो गया है। आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, आप रोल्स में जाएं, ये देखें डेवऑप्स के नाम से एक रोल आ गया है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वेब सर्वर रोल, जो मैंने वहां लिखा था वही डिस्क्रिप्शन में यहां आपको नजर आएगा, ठीक है। तो रोल मेरा क्रिएट हो चुका है, अपडेट हो गया सर्वर के ऊपर। अब इसके बाद अगर आप, अब क्योंकि मैंने आपको बताया आप वहां पर जा नहीं सकते, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं बट आप एक्चुअल में वहां नहीं जा पाएंगे, तो आपको अगर ये चेक करना है कि सर्वर पे ये रोल मेरा अपडेट हुआ है या अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैसे देखना है, नाइफ रोल लिस्ट, ये रोल की स्पेलिंग गलत लिखती, नाइफ रोल लिस्ट और कंट्रोल एल भी कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो डेवऑप्स के नाम से नजर आ रहा है, यानी ये सर्वर में है। अगर मैं वहां ग्राफिकली नहीं भी देख पा रहा हूं तो भी
इसका मतलब क्या है, अगर मुझे यहाँ पे आउटपुट में नजर आ रहा है कि ये सर्वर के पास मेरा रोल जो है अपलोड हो गया है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आप दो पहले नोड्स क्रिएट कर लो, ठीक है। तो हम अपने AWS अकाउंट पे चलते हैं और यहां से दो नोड दोबारा से क्रिएट करते हैं टेस्टिंग के लिए। आप दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, चलो मैं आपको चार लेके दिखाता हूं। यहां पे लिनक्स मशीन क्रिएट करिए, यहां पे आप नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे करिए, यहां पे नंबर ऑफ नोड मैं चार ले लेता हूं और इसमें अवेलेबिलिटी जोन आपको वही रखना है जो आपका वर्क स्टेशन का है। तो मेरा 1A है, मैंने 1A ले लिया। यहां पर जो मैंने अभी मिस कर दिया था बनाते टाइम, तो वो मुझे यहां पे, क्योंकि मेरे को यहां एडवांस डिटेल में ये चीज लिखनी पड़ेगी, तो चारों पे बाय डिफॉल्ट, तो जरा ये आप लिख दें हैश, जो लास्ट टाइम आपने लिखा था वही लिखना है, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश एंटर सुडो SU एंटर यम अपडेट हाइफन Y एंटर इको इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे 5 बार स्टार लगाएं, स्पेस दे दे के स्टार आपको लगाना है, उसके बाद रूट स्पेस शेफ हाइफन क्लाइंट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें आप और इस तरीके से लगाकर फॉरवर्ड स्लैश etc फॉरवर्ड स्लैश क्रॉन टैब, ये आपको लिखना है। और इसे लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएं, यहां पे ये सब डिफॉल्ट रहने दें, नेक्स्ट पे जाएं, टैग भी रहने दें, नेक्स्ट पे जाएं, यहां आप सिक्योरिटी ग्रुप एक नया बना लें, चलो न्यू SG के नाम से बना लेते हैं, न्यू नोड स्पेस हाइफन SG और SSH और यहाँ पे HTTP और यहाँ पे एनीवेयर कर देते हैं। तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। नए रिव्यू एंड लॉन्च करें, लॉन्च करें, की पेयर आप पुराने वाला ले लें जो आपने लास्ट टाइम रखा था। तो हमने नोड के लिए जो लास्ट टाइम बनाया था वो नोड हाइफन की के नाम से बनाया था, आपने जिस भी नाम से बनाया उसे सिलेक्ट कर लो, आई एक्नॉलेज करके लॉन्च कर दीजिए। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार लॉन्च हो जाए फिर मैं आपको आगे की चीजें दिखाता हूँ। या शेफ नोड कर देते हैं, शेफ नोड 1, यहां पे कर देते हैं शेफ नोड 2, शेफ नोड 3, शेफ नोड 4। तो आपने परेशान नहीं होना है कि मेरे में इतने सारे क्यों नजर आ रहे हैं, ये मेरी पिछली लैब है, मैंने अभी इसमें कुछ गलती कर दी थी तो ये वो अभी हटे नहीं है यहाँ से, इसलिए नजर आ रहे हैं। आपके में सिर्फ चार ही नजर आएंगे और एक वर्क स्टेशन नजर आएगा, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो मैंने ये चार नोड क्रिएट किए हैं, शेफ नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4 के नाम से, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने पुटी पे, ये कनेक्शन टाइम आउट हो गया है। अब देखिए हमारी सारी नोड रेडी हो चुकी है, ठीक है, 2x2 आ गया है। अब हम इनको बूट स्ट्रैप करते हैं, तो हमें चारों नोडों को बूट स्ट्रैप करना पड़ेगा 1x1, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस है, बूट स्ट्रैप तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड क्या है वो हमें देखनी पड़ेगी, पिछली कमांड भी आप चला सकते हैं, जो आपने लास्ट टाइम चलाई होंगी वो भी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, आपने जस्ट अपने कीबोर्ड में आगे पीछे की दबानी है, तो जो लास्ट टाइम आपने लैब में कमांड चलाई होंगी वो भी नजर आ जाएंगी। ये देखिए, तो ये कमांड आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको सिर्फ पब्लिक IP बदलना है इस बार और नोड का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो देते जाएं, वही नाम हो जाएगा, ठीक है। की मेरे पास ऑलरेडी ये है नोड हाइफन की के नाम से, तो मुझे परेशान नहीं होना है क्योंकि मैंने इसी नाम से ये की रखी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने सिस्टम पे चलता हूँ, डाउनलोड पे चलता हूं, तो देखें नोड हाइफन की के नाम से PEM फाइल मेरी ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, आपको नजर आ रही होगी। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे वही फाइल सिलेक्ट की थी इस बार मैंने इंस्टांस बनाते टाइम, तो मुझे इसे बदलना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कोई दूसरी बनाई है तो आपको बदलना पड़ेगा। तो अब मैं 1x1 सिर्फ IP चेंज करता जाता हूँ, मैं पहले नोड 1 का पब्लिक IP प्राइवेट IP देखता हूँ, ये मेरी नोड 1 है, इसका प्राइवेट IP क्या है
इसका प्राइवेट आईपी है ये 172.31.43.207। तो मैं यहां पे चलता हूं और इस प्राइवेट आईपी को यहां मैं पेस्ट कर देता हूं। माउस का सिर्फ राइट क्लिक करना है, पेस्ट हो गया। बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दें। आप बूटस्ट्रैप आपको करना है, उसके बाद नोड का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो हमें नोड वन ही देना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोड वन लिखा हुआ है। आप एंटर करें, आप यहाँ पे यस दबा दें, आगे से हम हाइफन वाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देखें ये एक अपने आप ही एक क्लाइंट बनाएगा, देखें क्रिएटिंग न्यू क्लाइंट फॉर नोड वन, ठीक है। तो वही क्लाइंट था जो हमें डिलीट करना पड़ा बाद में, मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप करते टाइम ये क्लाइंट बना देता है, तो वो क्लाइंट इसने क्रिएट कर दिया है और अब ये उसको स्टार्ट कर रहा है शेफ इंफ्रा क्लाइंट को। तो मेरी एक नोड तो बूटस्ट्रैप हो गई है, अब मैं दूसरी को भी कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं अगेन यही कमांड चलाता हूं, यहां सिर्फ आईपी बदलना है और नाम बदल के नोड टू करना है मुझे। ये मेरा नोड टू है, अब मैं इसकी प्राइवेट आईपी चेक करता हूं, इसकी प्राइवेट आईपी क्या है। तो ये रही इसकी प्राइवेट आईपी, इसे कॉपी कर लें और यहां जाके आप इसकी प्राइवेट आईपी चेंज कर देगा, एंटर कर दें, ये नोड भी आपकी बूटस्ट्रैप हो जाएगी। ये वाई मैं फिर से भूल गया, इस बार हाइफन वाई करना, तो आप कैपिटल वाई कर दें प्रेस यहाँ पे और एंटर करें, आपकी नोड टू भी बूटस्ट्रैप हो जाएगी। तो ये तो प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा आपकी, पर ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको 1500 करनी पड़े, और इजी है, आपको सिर्फ आईपी बदलते जाना है, कमांड सेम रहेगी, नाम जो देना है वो दे सकते हैं आप। अब आप अपनी तीसरी नोड को भी कर लें तो कमांड आपकी सेम रहेगी, यहाँ पे नाम उसका नोड थ्री कर दें और प्राइवेट आईपी आप नोड थ्री की उठा लें और यहाँ पे आप प्राइवेट आईपी इसकी नोड थ्री की यहाँ पे डाल दें। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे वो अपना पोस्ट करिए, आपको जवाब हमारे मेंबर्स ही दे देंगे और उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर दिया है, एंटर करता हूँ, अगेन मैं हाइफन वाई लगाना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, तो कैपिटल वाई प्रेस कर देते हैं, तो ये भी बूटस्ट्रैप हो गई है। अब हम हमारी चौथी नोड पे चलते हैं और उसका प्राइवेट आईपी चेक करते हैं क्या है। तो ये हमारी नोड फोर है और इसका प्राइवेट आईपी कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, और उसके बाद दोबारा वही कमांड पे आते हैं और अब की बार में पहले हाइफन वाई भी लगा देता हूँ, हाइफन वाई, और यहाँ पे नोड फोर मुझे इसको नाम देना है और इसकी पब्लिक का प्राइवेट आईपी चेंज करके मेरे को नोड फोर की प्राइवेट आईपी डालनी है। और एंटर करते हैं, तो देखें इस बार मुझे वाई प्रेस नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने हाइफन वाई लगा दिया था। तो चलें जी, चारों नोड मेरी जो है वो बूटस्ट्रैप हो गई हैं। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप हुई है कि नहीं हुई है तो वो कैसे देखते हैं, नाइफ नोड लिस्ट आप चेक करें, अगर सर्वर पे ये बूटस्ट्रैप हो गई होंगी, कनेक्ट हो गई होंगी, तो आपको चारों के नाम नजर आ जाएंगे। जी हाँ, नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, नोड फोर, चारों की चारों सर्वर पे अपडेट हो चुकी हैं। ग्राफिकली भी आपको दिखा देता हूं, आप यहाँ पे जाएंगे और आप नोड्स पे जाएंगे तो आपको आपकी चार नोड नजर आ जाएंगी, नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, नोड फोर, तो चारों आपको नजर आ रही है। तो यही चीज यहाँ भी हमें दिख रही है, तो आप ग्राफिकली देखें या कमांड लाइन के थ्रू देखें, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्राफिकली ही सब कुछ देख के समझ आएगा, यहाँ भी आपको समझ आएगा, ठीक है, कमांड आपको पता है कैसे चलानी है। अब हमें नोड्स को रोल से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड है, नाइफ नोड रन अंडरस्कोर लिस्ट सेट नोड वन, क्योंकि नोड वन पहले हमारी नोड वन का नाम है, इन्वर्टेड कोमा में रोल और जो भी आपने रोल बनाया है उसका नाम इस ब्रैकेट में लिख दें, डेवऑप्स, और इन्वर्टेड कोमा बंद कर दें आप, एंटर करें। तो ये देखें जी, नोड वन के अंदर रन लिस्ट में क्या आ गया है, एक रोल ऐड हो गया है और वो रोल का नाम क्या है, डेवऑप्स। सिमिलरली यही काम आपको बाकी नोड्स के साथ करना है और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, बस यहाँ पे आप जाके नोड टू कर दें, अब की बार आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस नोड टू, यहाँ पे जो भी नोड का नाम आपने दिया है वो आपको चेंज करना है, तो ये भी रन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो डेवऑप्स जो है
डेवऑप्स जो रोल है वो नोड टू में भी, नोड टू के लिए भी ये ऐड हो गया है सर्वर पे, ठीक है। और अब सेम काम आप नोड थ्री के लिए करें, तो यहाँ पे आपको नोड थ्री बस करना है चेंज, एंटर करें तो नोड थ्री भी मेरा रन लिस्ट में आ गया। देखिए सबके आउटपुट मुझे नजर आ रहे हैं। अब यही काम नोड फोर के लिए करना है, तो सेम कमांड में बस नोड फोर चेंज कर दें आप, यहाँ पे नोड फोर आप कर दें, एंटर करें तो ठीक है जी। मुझे ये चारों के चारों मेरे कनेक्ट हो गए हैं, आउटपुट भी साथ में आ गया है। फिर भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप नाइफ नोड शो नोड वन आप कर सकते हैं, एंटर करें तो नोड वन के साथ जो रोल कनेक्ट है वो हमें नजर आ जाएगा। ये देखें नोड वन के साथ हमारा जो रोल कनेक्ट है वो डेवऑप्स कनेक्ट है, जो रन लिस्ट में हमें दिखा रहा है। तो ये बात आपको समझ आ रही है, इस तरीके से आप सभी का देख सकते हैं, कंट्रोल एल कर लें। और यही चीज अगर ग्राफिकली आपको चेक करनी है तो आपको कैसे दिखेगी, आप पॉलिसी में जाएं, यहां पे रोल्स पे जाएं, तो देखें आपको रोल्स में डेवऑप्स नजर आ रहा है। रोल पे आए तो डेवऑप्स रोल आपको नजर आ रहा है। नोड पे जाएं आप, किसी भी नोड को एक को सिलेक्ट कर लें आप और इसकी रन लिस्ट में जाएं आप, तो ये देखें डेवऑप्स नजर आ रहा है मुझे। तो हर नोड के साथ आपको ये डेवऑप्स उनका रोल नजर आएगा। नोड फोर पे भी अगर मैं जाता हूं और उसकी रन लिस्ट चेक करता हूं तो मुझे डेवऑप्स उसका रोल नजर आएगा। अवेलेबल रोल कौन सा है, डेवऑप्स है। तो ये भी आप यहां भी चेक कर सकते हैं, बट आपको तो हमेशा सीएलआई पे ही काम करना है, आपको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, बार बार ये बात मैं बता रहा हूं। अब आप एक काम करें, आप अपनी कुकबुक को भी अपलोड कर लें, नाइफ कुकबुक, क्योंकि हम वो डिलीट कर चुके थे इसलिए हमें अपलोड करनी पड़ेगी, अपलोड अपाचे कुकबुक। तो अपाचे हमारी बनी हुई है हमें मालूम है, तो आप इसे अपलोड कर लें, नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे कुकबुक। तो ये मेरी अपलोड हो गई है। तो अब ये अपलोड होने का मतलब क्या है, अपलोड होने का मतलब ये है कि मैं अब किसी भी नोड की पब्लिक आईपी अगर चेक करूंगा तो वो वेब सर्वर बन जाएगी, क्योंकि अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी में वेब सर्वर का कोड पड़ा हुआ था। तो मैं अब आपको वो चीज दिखाता हूं, आप किसी भी इंस्टांस की, अभी ये मैंने शेफ नोड फोर लिया हुआ है तो नोड फोर की ही मैं पब्लिक आईपी कॉपी करता हूं और आपको यहां पे सर्च करके दिखाता हूं। तो नोड फोर अभी मेरा वेब सर्वर बन चुका होगा, ये देखें जी परफेक्ट है। नाउ यू आर मास्टर इन शेफ बिकॉज यू नो टू ऑटोमेट द थिंग्स, परफेक्ट है जी, परफेक्ट है। तो बना दिया हमने, वो कोड अपने आप नोड पे चल गया, चल गया कि नहीं चल गया आपको नजर भी आ गया। आप किसी भी नोड पे चेक करेंगे, उस हर नोड का आप पब्लिक आईपी लेके चेक करें, आपको वो आपका वेब पेज जो भी आपने अपाचे में लिखा होगा अपाचे रेसिपी के अंदर वो आपको नजर आएगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करना है, आप एक काम करें, आप अपनी पहले ये कुकबुक ओपन कर लें, वी आई कुकबुक, कुकबुक्स फॉरवर्ड स्लैश अपाचे हाइफन कुकबुक फॉरवर्ड स्लैश रेसिपीज, आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप टैब दबा दें, आप थोड़ा सा लिख के टैब दबा दें वो अपने आप पूरा कर देगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अब जैसे यहाँ पे लिखूंगा अपाचे हाइफन आर और फॉरवर्ड टैब दबाऊंगा, ये अपने आप इसको पूरा कर देगा, ठीक है। तो अब आप एंटर करें तो देखें ये कोड मैंने लिखा हुआ था, नाउ यू आर मास्टर इन शेफ बिकॉज यू नो टू ऑटोमेट द थिंग्स। अभी यही नजर आ रहा है मुझे, कीबोर्ड का आई दबाएं ताकि आप कुछ लिख सकें इसके अंदर। और अब आप जरा नीचे आ जाएं और इस कंटेंट को ना आप चेंज कर दें और यहां पे आप लिखें, यहां पे एस रह गया है और यहां आप इन्वर्टेड कॉमा से इसे क्लोज कर दें। देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल या स्मॉल में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये एक कंटेंट है जो आपको नजर आ रहा है। अरे इन्वर्टेड नहीं आएगा, सिंगल कॉमा आएगा क्योंकि मैंने यहां सिंगल यूज किया है। अगर आप डबल कर रहे हैं तो यहां पे डबल आएगा, अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो सिंगल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप एस्केप करके कॉलन डब्ल्यू क्यू करें, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं आप, तो मेरा ये अपडेट हो चुका है। अब देखे मैंने अपडेट कर दिया, अब अपडेट करने के बाद लेकिन मुझे अपलोड भी तो करना पड़ेगा, जब तक मैं इसे अपलोड नहीं करूंगा तब तक तो वो नोड उसे उठाएगा ही नहीं, तो मुझे अब इसे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है, नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे हाइफन कुकबुक, तो मैंने अब इसको अपलोड कर देता हूं मैं, तो ये अपलोड हो गया है। अब एक मिनट के बाद आप जब इस आईपी को सर्च करेंगे तो आपको कंटेंट बदला हुआ नजर आएगा, तो मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूं, ये देखें जी, दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ शेफ
एवरीथिंग इज नाउ ऑटोमेटेड। तो सारी नोड पर अब मेरा कंटेंट क्या हुआ, अपडेट हो चुका है। तो अब मैं दोबारा यहां पे जाता हूं। अब की बार मेरा बॉस कहता है कि यार आपने अपाचे रेसिपी में काम नहीं करना है, आपने दूसरी रेसिपी में काम करना है। तो मैं कहता हूं ठीक है सर, आप उस रेसिपी का खोलें फिर आप। तो आप अपाचे और एंटर करें, नहीं बनी हुई है रेसिपी वन के नाम से, कोई नहीं है। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम पहले ये वाली कैट, और यहां पे मैं इसको रेसिपी कैट, मैंने कमांड सही लिखी है, रेसिपी 3.rb एंटर करें। तो ये देखें यहां पे आपको ये फाइल नजर आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मेरा बॉस कहता है भैया आपने ये फाइल लिखनी है, ठीक है ना, रोबो फाइल के नाम से आपने एक फाइल बनाई है। तो ये फाइल जो है, सपोज करें मैंने ये कोड लिखा है, मेरा बॉस कहता है कि अब आपने अपाचे रेसिपी पे काम नहीं करना, आपने रेसिपी 3 पे काम करना है और रेसिपी 3 में कोड लिखकर अपलोड करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो इमेजिन करें मैंने ये कोड वहां पे लिख दिया, रेसिपी 3 के अंदर मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये मैंने सारा लिख लिया है। और अब मैं इसको अपना अपडेट करना चाहता हूं और सर्वर पे अपलोड करता हूं, ताकि मेरे सभी नोड पे ये इंफॉर्मेशन अब नजर आनी चाहिए। यानी मैं जब भी वहां पे जाऊं तो रोबो फाइल मुझे हर नोड के अंदर नजर आनी चाहिए, और वहां कंटेंट में मुझे उनका होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें मुझे नजर आनी चाहिए अगर मैं वहां पे चेक करूं किसी भी नोड में जाकर। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब VI रोल्स यहां पे जाके /devops जो मैंने रोल बनाया था .rb उसमें एक चेंज करना होगा। मुझे यहां पे मैं पहले आई दबा दूं कीबोर्ड का, ताकि मैं इसमें चेंजेस कर सकूं। मुझे यहां पे अब इस रन लिस्ट में आपके अपाचे रेसिपी नहीं चाहिए, मुझे कौन सी चाहिए, मेरे बॉस ने कहा रेसिपी 3, आप इस बार रेसिपी 3 में काम करें। तो आप यहां पे क्या कर देंगे, रेसिपी 3 लिख देंगे, रेसिपी 3 मैंने कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने एस्केप करके कॉलन डब्ल्यू की किया, मैं बाहर आ गया। तो ये मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद क्या करना होता है जी, बिल्कुल, अब आपको इस रोल को दोबारा से अपलोड करना है सर्वर पे। फाइल रोल्स /devops.rb ये आप करके अपलोड कर दे, एंटर करें। तो अब मेरा ये जो रोल है ये अपडेटेड, यानी मैंने इसमें अब क्या किया है, मैंने अपाचे कुकबुक की जो है रेसिपी 3 को मैंने इस बार किया है कि भैया ये मैं अपडेट कर रहा हूं। तो मेरी सारी नोड किससे कनेक्ट हो जाएंगी, इस बार उनके रोल में क्या आ जाएगा, रेसिपी 3 आ जाएगा। तो रेसिपी 3 में जो भी होगा वो वहां अपडेट हो जाएगा। आप कैसे चेक करेंगे, अब आप जरा किसी भी नोड के जो है पुट्टी से एक्सेस कर लें आप। तो आप सपोज करें मैं किसी भी एक नोड को ले लेता हूं, मैं इस नोड 1 को ही ले लेता हूं और इसकी पब्लिक आईपी लेता हूं, पुट्टी पे जाता हूं, यहां पे मैं इसकी पब्लिक आईपी पेस्ट करता हूं। मुझे की जो है मेरे पास ऑलरेडी डिक्रिप्टेड की भी पड़ी है इसकी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑथ करें आप, और यहाँ पे जो की आपने बनाई थी, डेस्कटॉप पे जाएं, आपने की बनाई थी ये वाली नोड 1 वाली, इसी को आप ओपन कर लें। ओपन करें, जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी वही की है, यस करें, क्योंकि सेम की है। तो यहाँ पे आप इसको इस बार चेंज कर लें, सेटिंग में जाके इसके कलर्स को चेंज कर दें, बोथ यू सिस्टम कलर अपीयरेंस चेंज 18 और बोल्ड इटैलिक, ओके अप्लाई। तो अब की बार मुझे ये मेरा नोड है, यहाँ पे आप EC2-user करें और अब आप sudo su करें, एंटर करें। तो ये हो गया। अब आप अपनी नोड के अंदर ना आप ls करें, ls/ ये देखें आपको रोबो फाइल नजर आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो जो अभी हमने रेसिपी 3 अपलोड करी थी वो यहाँ पे अपडेट हो गई है, ठीक है ना। हमारे जस्ट अपलोड करते ही 1 मिनट के बाद ही अपडेट हो जाएगी सभी नोड के ऊपर। अब आप ये डिटेल देखना चाहते हैं इसके अंदर क्या है, तो आपने क्या करना है, कैट /robofile, ये देखें जी, दिस इज टू गेट एट्रीब्यूट, होस्ट आईपी ये है मेरी, आईपी एड्रेस ये है मेरा, सीपी यूटिलाइजेशन ये है, मेमोरी ये है, वही सारी चीजें जो मैंने कोड में अभी आपको दिखाई थी यहां इस नोड के अकॉर्डिंग नजर आ रही है। आप आईपी एड्रेस चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, ये देखें 172.31.43.207, और यहां पे क्या दिखा रहा है, वही दिखा रहा है। तो बिल्कुल सही है जी, ठीक है ना। तो हमने जो कोड लिखा वो हमारे को नजर भी आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट काम हो रहा है। तो ये मेरा
वर्क स्टेशन है और व्हाइट कलर की स्क्रीन क्या है मेरी, ये मेरी नोड है। ठीक है, तो वर्क स्टेशन पे मैं वापिस आ गया हूँ और यहाँ पे एलएस कर लेते हैं एक बार, तो ये सब चीजें नजर आ रही हैं। अब मेरा बॉस कहता है यार आपने ना अब की बार दोनों कोड, दोनों रेसिपी जो है वो आपने रन करानी है, आपको जो आपने अपाचे रेसिपी में लिखा है वो भी अपडेट हो जाए और जो आपने रेसिपी 3 में लिखा है वो भी अपडेट हो जाए। ठीक है, आपने दोनों रेसिपी में कुछ कुछ चेंज किया है और आप चाहते हैं वो दोनों इंप्लीमेंट हो जाए, तो उसका क्या तरीका है, या आप चाहते हैं कि कुक बुक में जो भी रेसिपी पड़ी है वो सारी की सारी इंप्लीमेंट हो जाए। ठीक है ना, मेरी कुक बुक में 2 रेसिपी है, 4 है, 6 है, वो सारी की सारी नोट पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने रोल को ओपन करें, कंट्रोल एल करके मैं क्लियर कर लूं, आप अपने रोल को ओपन करें, वी आई रोल्स फॉरवर्ड स्लैश डेवऑप्स डॉट आर बी एंटर करें, और इस बार आपने कुछ नहीं करना, आपने ना इस रेसिपी का नाम ही नहीं लिखना है। अगर आप रेसिपी का नाम ही हटा दोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कुकबुक की सारी रेसिपी की बात कर रहे हो। क्या चक्कर है, आप पहले आई दबाएं कीबोर्ड का, अब आप यहां पे बैक स्पेस करें, तो अब मैं यहां पे ये हटा के सिर्फ मैं अपाचे कुकबुक लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितनी रेसिपी हैं सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब आप एस्केप करें, कॉलन डब्ल्यू क्यू करें, बाहर आ जाएं, और अब आप इसे अपलोड कर दें, तो इसे अपलोड करने का तरीका क्या है, नाइफ रोल फ्रॉम फाइल और इसे अपलोड कर दें, आपने अपडेट कर दिया। अब आप एक काम करें, अपनी कुकबुक ओपन करें और उस कुकबुक की रेसिपी में कुछ चेंजेस करें, तो मैं कहता हूं कि आप अपाचे रेसिपी 3 में कुछ चेंजेस कर लें, तो आप यहां पे वीआई के थ्रू इसे ओपन करें और यहां पे आप इस बार कुछ चेंज कर लें यहां पे, तो आप चेंज क्या करें मैं आपको बताता हूं, आप आई प्रेस करें और यहां पे आप एक यूजर क्रिएट कर दें, यूजर और इन्वर्टेड कॉमा में आप उसका नाम दे दें, कुछ नाम दे दें, भूपिंदर राजपूत, और एक आप फाइल भी क्रिएट कर लें और फाइल का नाम दे दें आप, और फाइल आपने क्रिएट करनी है यहीं पे भूपिंदर फाइल, आपने रूट डायरेक्टरी में क्रिएट करनी है, ये भी आपका हो गया, इसे आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें, एस्केप करें, कॉलन डब्ल्यू क्यू करें, बाहर आ जाए। ठीक है, तो मैंने रेसिपी 3 में कुछ चेंजेस किए हैं, अब मैं अपने दूसरी रेसिपी में भी कुछ चेंजेस करता हूं, तो मैं यहां पे इसको अपाचे रेसिपी में जाता हूं, अपाचे हाइफन रेसिपी, मैं दोनों रेसिपी में कुछ चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है, और एंटर करता हूं, तो यहां पर भी मैं कीबोर्ड का आई प्रेस करता हूं, नीचे आता हूं और यहां पे लिखता हूं कोड्स ऑफ ऑल रेसिपी अप्लाई साइमल्टेनियसली, तो मैंने ये इसमें अपडेट कर दिया है। ठीक है, और एस्केप करके कॉलन डब्ल्यू क्यू करता हूं, बाहर आता हूं, तो मैंने दोनों रेसिपी में चेंज कर दिए, रेसिपी 3 में भी कर दिए और अपाचे रेसिपी में भी, क्योंकि दोनों रेसिपी इसी कुकबुक के अंदर पड़ी है मेरी, अपाचे कुकबुक के अंदर, तो मैं अपाचे कुकबुक को अब अपलोड कर देता हूं, तो नाइफ के थ्रू मैं इसे अपलोड करता हूं, नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे कुकबुक एंटर करिए, तो ये अपलोड हो चुका है। अब जितने भी चेंजेस मैंने किए हैं ना वो सारे मुझे नजर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं, मैं अभी एक काम करता हूं, मैं पहले पब्लिक आईपी को ही एक्सेस कर लेता हूं, ये देखें कोड ऑफ ऑल रेसिपी अप्लाई साइमल्टेनियसली, तो मैंने ये चेंज किया था अपने अपाचे रेसिपी के अंदर, वो भी मुझे नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं अब यूजर चेक करूंगा अपने नोड के अंदर जाके, तो नोड भी बन चुका होगा, कहने का मतलब अब मैंने कुकबुक में कोई रेसिपी का नाम नहीं लिखा, मैंने खाली कुकबुक का नाम लिखा था रोल के अंदर, उसका मतलब यह है कि उस कुकबुक के अंदर अब 2 रेसिपी पड़ी हो, 4 पड़ी हो, 6 पड़ी हो, सारी की सारी ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। ठीक है, उनके कोड अपने आप अप्लाई हो जाएंगे, ये बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब की बार आपका बॉस कहता है कि भैया आपने 2 कुकबुक अपलोड करनी है, आपने 2 कुकबुक में चेंजेस करने हैं, 2 कुकबुक की जो रेसिपीज हैं वो मेरी अप्लाई होनी चाहिए, मैं एक नहीं मैं 2 कुकबुक पे जो काम कर रहा हूँ वो दोनों कुकबुक आप रोल में ऐड कर दो, ताकि किसी भी कुकबुक में कोई भी चेंज हो तो वो मेरे नोड पे अप्लाई हो जाए। तो आपने क्या करना है, अगेन आपने अपने वीआई के थ्रू अपने रोल्स में जाना है, डेवऑप्स डॉट आर बी कीबोर्ड का आई प्रेस करें और नीचे आए, और यहां पे अब की बार आपने क्या करना है, अपाचे कुकबुक
इसे आप कर दें ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगाएं, और अब दूसरा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, और अब की बार दूसरी कुकबुक के लिए रेसिपी लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, और अब की बार दूसरी कुकबुक कौन सी आपकी टेस्ट कुकबुक है, टेस्ट हाइफन कुकबुक, तो इसे आप लिखें, ब्रैकेट को क्लोज करें और इसके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें। इस तरीके से अब हमने इस बार दो कुकबुक को ऐड कर दिया है रोल के अंदर, यानी इन दोनों कुकबुक में कुछ भी होगा तो वो हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। आप एस्केप करके डब्ल्यू कॉलन करके बाहर आ जाएं, डब्ल्यू क्यू करके, तो ये मैंने रोल अपडेट कर दिया, दोनों कुकबुक मेरी अपडेट हो गई है। अब इसी रोल को मुझे अपडेट करना पड़ेगा सर्वर पे, तो नाइफ रोल फ्रॉम फाइल रोल्स फॉरवर्ड स्लैश डेवऑप्स डॉट आरबी, एंटर करिए। अब मैंने ये अपडेट कर दिया है। अब देखें, आपको जो भी कुछ मेरा टेस्ट कुकबुक में पड़ा होगा वो सारी फाइलें मुझे नजर आएंगी। नाइफ कुकबुक अपलोड टेस्ट कुकबुक, तो ये देखिए मेरी टेस्ट कुकबुक भी अपलोड हो चुकी है। अब टेस्ट कुकबुक अपलोड हो गई, अब नोड अपने आप सारा कंटेंट उठा लेगा। तो यहां पे अब एक मिनट बाद जब मैं आपको एलएस करके दिखाऊंगा तो आपको कुछ नई फाइलें भी नजर आएंगी। एलएस स्पेस फॉरवर्ड स्लैश में जब लगा रहा हूं तो मुझे अभी रोबो फाइल के अलावा कोई और फाइल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी कुकबुक के अंदर कोई फाइल नहीं है। अगर होती तो मुझे वो नजर आ जाती। ये बात आपको समझ आ रही है? तो यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम दोबारा अपने वर्क स्टेशन पे चलते हैं और अब मैं आपको फाइनली लास्ट वाला एक कमांड लिख के दिखाता हूं। तो रेपो में लिखनी है तो पहले आपको शेफ रेपो में आना पड़ेगा। तो ये मैं अभी EC2 यूजर में हूं, सॉरी CD शेफ हाइफन रेपो, और यहां पे आप ये कमांड चलाएं VI कुकबुक वाली, और अब यहां पे आप कीबोर्ड का I प्रेस करें। और अब मैं यहां पे आपको कुछ कोड जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था वो कोड मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं। तो यहां पे आपने लिखना है परसेंटेज का साइन और W, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाना है, छोटे वाला ब्रैकेट लगा दें आप, छोटे वाला ब्रैकेट कहाँ गया, ये रहा। तो इसके बाद आप इसके अंदर लिखें जो जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे HTTPD आप करना चाहते हैं, फिर MariaDB अगर डेटाबेस आप इसे भी इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी मशीनों पे, उसके बाद अनजिप, उसके बाद गिट, और उसके बाद VIM, ये सारे काम हम करवाना चाहते हैं। तो इसे आप क्लोज कर दें, उसके बाद डॉट ईच आप लिखें, उसके बाद डू करें, एंटर करें। एंटर से पहले बल्कि आप यहां पाइपलाइन में लिख लें पी, तो आप इस तरीके से पी लिखें। ये एल नहीं है, ये आप इसको एल ना समझें, ये आपको आपको बैक स्पेस के नीचे नजर आएगा, आपको शिफ्ट दबा के ये प्रेस करना पड़ेगा। एंटर करें, उसके बाद आप लिखें पैकेज और पी डू करें, एंटर करें, उसके बाद लिखें एक्शन कॉलन इंस्टॉल, एंटर, उसके बाद एंड कर दें और एंड कर दें दोनों चीजों को, और बल्कि आप इसको थोड़ा सा आगे ले लें तो बेटर है। और अब आप एस्केप करके कॉलन डब्ल्यू क्यू कर दें और बाहर आ जाए, आप बाहर आ गए। अब आपने क्या करना है, इसी कुकबुक को आपने अपलोड करना है, नाइफ कुकबुक अपलोड, और कुकबुक का नाम क्या है, अपाचे कुकबुक, आप इसे अपलोड कर दें सर्वर पे। तो मैंने चेंजेस करे, मैंने अपनी कुछ फाइल में कोड लिखा और उसको फाइनली सर्वर पे अपलोड कर दिया। बस अब मुझे ये दो काम करने, क्योंकि रोल तो ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरी नोट के साथ, ठीक है ना। तो अब ये मैंने अपलोड कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होगा। अब मैं अपने चलता हूं नोट के ऊपर, और यहां पे अगर मैं विच गिट कमांड चलाऊं तो अभी देखे ये मुझे कह रहा है नो गिट इन, ठीक है, लेकिन अभी आप देखना विद इन एक मिनट के बाद यहां आपको गिट नजर आने लगेगा, यानी हमारा जो गिट कमांड है वो यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरी इस पे मुझे नजर आने लगेगी, वो पैकेज मेरा इंस्टॉल हो जाएगा एक्चुअली इस नोड के ऊपर उस कमांड की वजह से, जिसमें मैंने HTTPD या अपाचे सर्वर सब कुछ इंस्टॉल किया है, MariaDB भी किया है, गिट भी किया है। तो मैं सेम कमांड दोबारा चलाता हूं,
ये देखें जी, गिट इंस्टॉल हो गया, आपको नजर आ गया फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश गिट। तो आई होप ये ऑटोमेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, कोई टेंशन अब आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो अब आप परफेक्ट हो चुके हैं शेफ के अंदर, इससे ज्यादा शेफ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इससे ज्यादा शेफ के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये सारा काम हमने करके देख लिया, तो अब हम एक काम करते हैं, धीरे धीरे इनको डिलीट करना सीखते हैं कि सबको डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम करें, अपनी सारी नोट्स को डिलीट कर दें। तो अभी जो मैंने चार नोट देखे मेरे को नजर आ रही हैं, तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूं। चारों नोटों को एक साथ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, टर्मिनेट करिए। तो आपके चारों नोट यहां से डिलीट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो मैंने चारों नोट को टर्मिनेट कर दिया है, तो ये मेरा पुट्टी सेशन अपने आप बंद हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं इसे बंद कर देता हूं, चारों नोट मैंने टर्मिनेट कर दी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपने वर्क स्टेशन में, और यहां पे मुझे देखना है कि अभी मेरे पास क्या सर्वर पे नोट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने तो टर्मिनेट कर दिया है, तो वो दिखाएगा क्योंकि सर्वर में तो ऑलरेडी वो अपडेटेड है। तो आपको सर्वर से भी डिलीट करनी पड़ेंगी। तो देखें चारों चीजें सर्वर पे मुझे दिखा रहा है, मैं आपको अगर मैनुअली दिखाऊं तो आप यहां पे जाएं, आपको चारों नोट नजर आएंगे। ये देखें आपको चारों नजर आ रही हैं। अब हमें इन्हें डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे आप? कमांड आपको पता है, नाइफ नोड डिलीट नोड वन हाइफन वाई। सिमिलरली आप नोड टू को कर दें, तो यहां पे आप नोड टू जस्ट नाम बदल के नोड टू कर दें, कमांड सेम रहेगी, एंटर करें, ये भी डिलीट हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ, नोड वन और नोड टू यहां से डिलीट हो चुकी है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें नोड थ्री नोड फोर रह गया, नोड वन नोड टू डिलीट हो गया है। तो अब इसी तरीके से आप नोड थ्री को भी डिलीट कर दें, और सिमिलरली आप नोड फोर को भी डिलीट कर दें, तो ये डिलीट हो गई है। अब कंट्रोल एल कर लें। अब आप कुकबुक चेक करें कि मेरे पास कुकबुक कौन कौन सी है, नाइफ कुकबुक लिस्ट, सर्वर में कौन कौन सी कुकबुक पड़ी है मेरे पास। क्या दिखा रहा है ये, कुछ इशू आया, नाइफ कुकबुक लिस्ट, तो दो मेरे पास दिखा रहा है, एक अपाचे कुकबुक दिखा रहा है और एक टेस्ट कुकबुक। अब हमें इन्हें वन बाय वन डिलीट करना पड़ेगा, तो नाइफ कुकबुक डिलीट अपाचे हाइफन कुकबुक और हाइफन वाई, एंटर करें, ये डिलीट हो चुकी है, देखिए आ गया डिलीटेड कुकबुक। सिमिलरली अब आप सेम काम करें किस कुकबुक के साथ, टेस्ट कुकबुक के साथ, तो वो भी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आप यहां पे अब टेस्ट कुकबुक लिख दें, टेस्ट हाइफन कुकबुक हाइफन वाई, एंटर, तो आपकी कुकबुक भी डिलीट हो गई है। अब आप चेक करें कि क्या मेरे पास रोल कौन से हैं, तो आप यहां पे नाइफ रोल लिस्ट में जाएं, तो आपके पास एक ही रोल है डेवऑप्स के नाम से आपको मालूम है, तो आप इसे भी डिलीट कर दें, नाइफ रोल डिलीट डेवऑप्स हाइफन वाई, तो आपका रोल भी डिलीट हो चुका है। अब आप जरा अपने यहां पे जाएं, तो आपको देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, तो ना तो आपको कोई नोट नजर आ रही है, ना आपको कोई रोल नजर आ रहा है, क्लाइंट आपको नजर आ रहे होंगे, ये आपको चार क्लाइंट नजर आ रहे हैं, ये भी आपको डिलीट करने पड़ेंगे। इन्हें डिलीट करने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, नाइफ क्लाइंट डिलीट नोड वन हाइफन वाई, तो ये डिलीट हो गया है। सिमिलरली आप नोड टू को डिलीट कर दें, सिमिलरली आप नोड थ्री को, नोड थ्री के नाम से क्लाइंट आपका बना हुआ, जिस नाम से नोड होती है उसी नाम से क्लाइंट होता है, मैं आपको बता चुका हूं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको वहां सर्वर देखने को तो नहीं मिलेगा, पर आपको यहां पता चल जाएगा। आप क्लाइंट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से भी आपको नाम का पता चल जाएगा। अब आप इसे नोड फोर को भी डिलीट कर दें, तो हमारा सबको डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये भी गायब हो जाएगा, चारों क्लाइंट आपके गायब हो जाएंगे, ये देखिए चारों गायब हो गए, तो सब कुछ खाली हो चुका है। तो आई होप आपको सब कुछ क्रिएट करना, डिलीट करना और ऑटोमेट करना आ चुका होगा। इससे ज्यादा डिटेल में शेफ में कुछ नहीं है,
और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सोचें कि सर हमें इससे और डीप में जाना है, मेरे भाई इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है किसी भी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चाहे आप हिंदुस्तान में इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के बाहर आप दे रहे हैं, आप कहीं भी हैं, आपको इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, कोई भी इशू है आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है और फाइनली ये सब करने के बाद आज आप वर्क स्टेशन डिलीट कर सकते हैं। तो अब आप अपने चाहे तो अपने इस वर्क स्टेशन को टर्मिनेट कर दें, बिकॉज अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप यहां से इसे टर्मिनेट कर दीजिए, तो ये फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको बढ़िया से शेफ की लैब समझ आ गई होगी। नहीं आई है, कोई मसला हो रहा है, तो आप दोबारा से मेरी वीडियो को देखें, स्टार्टिंग से शेफ को दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हम लोग इन्हीं टूल्स की हेल्प से करते हैं। हालांकि फ्यूचर में मैं एंसिबल भी आपको पढ़ाऊंगा, डॉकर भी पढ़ाऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं, कुबरनीट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी, हम लोग पूरा डेवऑप्स कंप्लीट करेंगे और कोई भी इशू आपको यहाँ पे नहीं आएगा। कोई इशू आता है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी बुक्स आपको फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डम्स, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। इवन कोई अगर डाउट होता है तो भी आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों काफी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिन्हें आज की डेट में हमारे लोगों हमसे हमारे चैनल से प्रॉब्लम होने लगी है, इसीलिए उन्होंने अपना एक लॉबी बना लिया है, उन्होंने अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि इस बंदे के वीडियो डिसलाइक करो या ऐसा करो या इसके बारे में गलत बातें फैलाओ कि ये फ्री में पढ़ाते हैं तो इसमें कुछ कंटेंट नहीं होता है, क्वालिटी नहीं होती है, या वो आपको असली बातें नहीं बताएंगी जो आपको पैसे देके मिलने वाली है। सब फिजूल की बातें हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर में आपको पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन अब आपको क्या करना है, एज अ टेक्निकल गुफ्तगू लॉयल सब्सक्राइबर मैं ये चाहूंगा यार हम सबके ही अपने एक दो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, दोस्तों के पर्सनल ग्रुप होते हैं जहां हम खूब सारी बातें करते हैं, आप मेरे वीडियो को वहां शेयर करें, उन लोगों को कहें अगर वो टेक्निकल नहीं भी हैं या वो इन चीजों को नहीं भी पढ़ते तो भी उन्हें बोलें कि इस वीडियो को ओपन करके सिर्फ आप लाइक कर दें, ये हमारे लिए काफी होगा। मेरे को लगता है अगर हमारा एक सब्सक्राइबर भी हमारे 5 लाइक करने का टारगेट ले कि ठीक है हम सर के वीडियो को 5 लाइक तो मैं ही अपने दोस्तों से करवा दूंगा, तो शायद हम उन लोगों को एक करारा जवाब दे पाएंगे। जब हमारे वीडियो पे 1,000, 2,000, 5,000 लाइक्स होंगे तो शायद उनके वो 2, 4, 10 डिसलाइक जो वो लोग मेरी वीडियो अपलोड होते ही कर देते हैं तो शायद वो एक तमाचा होगा उनके ऊपर। तो आप लोगों को मेरा मेरा सपोर्ट करना है, साथ देना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैमिली मेंबर्स को कहिए कि इस वीडियो को सिर्फ लाइक करें, बिकॉज लाइक से हमें कोई अर्निंग नहीं होती है, कोई इनकम नहीं होती है। मैं आपको बता दूं इससे हमें यूट्यूब में सर्च इंजन में ऊपर आने में हेल्प मिलती है, और जब हमारी वीडियो ऊपर आएगी तो ऑब्वियसली जो पेड ट्रेनिंग कंपनीज चल रही हैं और जिनके वीडियो वहां पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएंगे और लोग हमारी वीडियो को देखेंगे और फ्री में हमसे पढ़ पाएंगे और अपने पैसे बचा पाएंगे। तो इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का धंधा बंद करने का और ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इसे करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आता है इफ्तिखार साहब का, कि तुझसे बिछड़ कर जिंदा है, तुझसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, अपने साए से चौंक जाते हैं, अपने साए से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस तरह तन्हा। और एक शेर उन्हीं का था कि शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।